गो थ्रू कर लेते हैं हम ऊपर से नीचे तक एक दफ़ा, और उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, इसमें डेटाबेस कनेक्ट करते हैं जो आज का हमारा काम है। तो सबसे पहले हमने एक्सप्रेस को इम्पोर्ट किया हुआ है, उसके बाद हमने नैनो आईडी करके एक लाइब्रेरी है उसको इम्पोर्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है नैनो आईडी की, हमने डॉक्यूमेंटेशन से देखी थी कि ये कैसे लाइन लिखी जाती है ये वाली। अच्छा, उसके बाद हमने एक्सप्रेस की ऐप को इनिशियलाइज़ किया है, और एक्सप्रेस की ऐप को इनिशियलाइज़ करने के बाद हमने ऐप डॉट यूज़ करके, ऐप डॉट यूज़ क्या चीज़ होती है कौन बताएगा? एक मिडलवेयर होता है जिससे हर रिक्वेस्ट जिससे होके गुजरती है, ठीक है, हर रिक्वेस्ट इससे होके गुजरती है। हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया ना, मिडलवेयर फंक्शन को हमने डिस्कस कर लिया इस क्लास में। चलो वो हम थोड़ा मतलब डेटाबेस के बाद हम कवर कर लेंगे अगर तो ज़रूरत है तो। एक्सप्रेस में बाय द वे सब लोगों को समझ आ रहा है कि एक्सप्रेस में मतलब कैसे है? कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही है भाई? समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ऊपर से जा रहा हूँ, कोई स्टक तो नहीं है ना कोई? देखो बात सुनो और गौर से सुनो, जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना ये, तो अगर आप कहीं पे स्टक हो रहे हो, कोई आपका सवाल है, तो आप उसको मुझसे पूछ सकते हो उसी टाइम आप, ठीक है। जब मैं अच्छा मैं मेरी आदत है कि मैं हर क्लास के आखिर में भी पूछता हूँ कि भाई कोई सवाल है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आखिर में टाइम ज़रा कम बचता है, फिर बातें ज़रा लंबी होती हैं तो फिर वो आखिर में टाइम नहीं बचता, तो इसलिए मैं दूसरी क्लास के स्टार्ट में भी पूछ लेता हूँ कि यार क्या कोई किसी की कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है तो पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इस क्लास में कुछ लोग हैं जिनको ज़रा सा थोड़े से ज़्यादा आता है जिनको, और जिनको कुछ को थोड़ा सा कम आता है, ठीक है। तो जाहिर है वो जैसे ये दोस्त हैं हमारे, ये क्लास को ज़रा ड्राइव कर रहे होते हैं। शहजाद ने, तुमने शायद इनको मना कर दिया था कि मत किया करो, भाई कर लिया करो, कोई मसला नहीं है, सही है। तो अब ये तो चलो बता रहे हैं कि जी मुझे आता है और ड्राइव करते जा रहे हैं, तो मैं इनके हिसाब से मैं चलता जा रहा हूँ आगे। लेकिन अगर कोई पीछे बैठा हुआ है और उसको कोई बात समझ नहीं आ रही है अगर, तो भाई वो मुझे रोक भी सकता है। अगर ये एक्सेलरेटर दे रहे हैं ना, एक्सेलरेट कर रहे हैं अगर क्लास को, तो पीछे बैठा हुआ कोई बंदा ब्रेक भी दबा सकता है। लेट आया ऑडियो, तो आपसे भी कोई आएंगे तो ऐसे ही लाइन में खड़ा हाँ कर हाँ दिया यहीं पे, जाएगा। यहीं पे लगा दीजिएगा ऐसे। तो एक आएंगे तो उनको मैंने उनके साथ ही साथ में खड़ा कर हाँ दिया। सही, ठीक है भाई। तो आई अप्रिशिएट कि कोई भी बंदा ना क्लास पढ़ाते हुए अगर सामने से रिस्पॉन्ड कर रहा है जैसे ये दोस्त करते हैं, तो आई अप्रिशिएट दैट, ठीक है। अच्छी बात होती है कि आप अप्रिशिएट करें, मतलब आप ज़रा सा फीडबैक देते रहें। अच्छा, मुझे फिर आप लोगों की शक्लों को देख के ही पता चलता है कि आप लोगों को कितनी बात समझ आ रही है। तो मोस्टली क्या होता है, जो फ्रंट पे बैठे हुए लोग होते हैं उनकी शक्लें देख के मैं क्लास को उस हिसाब से लेके चल रहा होता हूँ। अच्छा, अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पीछे मुंह छुपा के बैठता है, तो भाई मेरा कसूर नहीं है उसमें। मुझे अगर आपकी शक्ल नज़र नहीं आएगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे जिसकी शक्ल नज़र आएगी उस हिसाब से मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे मुझे तुम्हारी शक्ल नज़र आती रहे, या तुम्हें एटलीस्ट मेरी शक्ल नज़र आती रहे। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो सिर्फ आवाज़ की बात नहीं होती, मतलब मेरी आवाज़ तो आप तक पहुँच रही है ऑब्वियसली, बहुत सारी चीज़ें मैं बॉडी लैंग्वेज से भी बोल रहा होता हूँ, है ना। जो कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट है, उसमें बोलते हैं ऐसे कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल वो होता है जो मुंह से बोल के आप बात करते हो, जैसे कि फ़ोन पे आप किसी से बात कर रहे हो तो वर्बल कम्युनिकेशन है वो। लेकिन जब आप फेस टू फेस किसी से बात करते हो तो वर्बल कम्युनिकेशन कितनी होती है? सिर्फ 20% होती है। बाकी की जो सारी कम्युनिकेशन होती है वो नॉन वर्बल होती है, ठीक है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज शामिल है, जिसमें हैंड जेस्चर शामिल है, जिसमें फेस एक्सप्रेशन शामिल है, जिस पे कोई साइन शामिल है, ठीक है, कोई सिग्नल शामिल है उसके अंदर, समझ रहे हो? मतलब एक बंदा सामने से अगर आ रहा है ना, तो आप मोस्टली उसको देख के ही बता देते हो कि अच्छा यार ये गुस्से में आ रहा है, अच्छा यार ये बंदा कहाँ का रहने वाला होगा, ये कोई सिंधी आ रहा है या कोई पठान आ रहा है, देखते ही बता देते हो ना, उसने कुछ बोला थोड़ी अभी तक आते ही। तो बहुत सारी बातें ज़रा नॉन वर्बल भी होती हैं, ठीक है। तो जब आपको मेरी शक्ल दिख रही होगी ना, यही वजह है कि जो वीडियो में भी जो लोग देखते हैं बाद में यूट्यूब पे, उनको सारी बात तो समझ आ जाती है उनको, लेकिन ऑब्वियसली उन तक वो बात डिलीवर नहीं होती जो यहाँ पे हो रही है। जो नॉन वर्बल जो चीज़ है ना, वो यहीं पे ही आप देख रहे हैं, मेरी शक्ल पे दिख रहा है आपको वो इधर यूट्यूब पे बाद में नहीं दिखेगा आपको। वेल, तो यार आ जाते हैं हम। अच्छा, ये जो ऐप डॉट यूज़ वाला है ना, ये क्या है?
ये एक मिडलवेयर फंक्शन है इतना जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये क्या होगा कि जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ से गुजर के आएगी और ये क्या करेगा, बॉडी को पार्स कर देगा अगर वो बॉडी जेसन टाइप की हुई तो, ठीक है, बॉडी क्योंकि जेसन के अलावा भी होती है, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था, पोस्टमैन में वो आ रहे थे सारे ऑप्शन, तो अगर जेसन टाइप की बॉडी हुई तो ये उसको क्या कर देगा, ये उसको पार्स कर देगा। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और यहाँ पे बनाया हुआ है राउट, ठीक है, इसको हम कहते हैं राउट और इसको हम कहते हैं पाथ और इसको हम कहते हैं मिडलवेयर फंक्शन, ठीक है, ये तीनों के मैंने आपको नाम अलग अलग बता दिए, ठीक है, इसको हम कहते हैं, यानी ये पूरा जो है ये एक राउट है और इसको हम कहते हैं पाथ, इसको हम कहते हैं मिडलवेयर फंक्शन और ये जो डॉट गेट लगा हुआ है ना इसका भी एक नाम है, इसको हम कहते हैं मेथड, ठीक है, मेथड कहते हैं इसको। तो ये मेथड और ये पाथ और ये मिडलवेयर फंक्शन ये तीनों मिलके ना एक राउट तश्कील देते हैं, तीनों से मिलके एक राउट बनता है। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये पूरा एक राउट बन गया मेरे पास, एक स्लैश का राउट बन गया। अच्छा, स्लैश का राउट का मीट होता है जब मैं ऐसे जो बेस URL है वो सीधा सीधा लिख दूँ अगर, तो ये वाला राउट हिट हो जाता है। अगर मैं स्लैश करके आगे प्रोफाइल ना लगाऊं या स्लैश करके कोई और बात ना लिखूं तो ये हिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है जो कि दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड कि इस तरह का वेरिएबल मैं बनाऊं सर्वर पे, लेकिन अभी हम आज की डेट में इसको हम कन्वर्ट करेंगे और इसको हम डेटाबेस से कनेक्ट कर देंगे, इस वेरिएबल को हटा देंगे हम, ठीक है। तो ये फ़िलहाल मेरा जो डेटाबेस है वो इस वेरिएबल के अंदर है और उसके बाद मेरे पास स्लैश प्रोडक्ट है, स्लैश प्रोडक्ट्स में एस लगा हुआ है, ये हमने देखा था REST API के प्रिंसिपल्स जब पढ़े थे हमने कि जी एस का मतलब क्या है कि हम हमारे पास जो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स हैं वो गेट हो रही होंगी या एटलीस्ट एक से ज़्यादा हो रही होंगी जब भी इसमें प्रूलर ये इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैं क्या करता हूँ, तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ से सेंड कर देता हूँ, ठीक है, जो वेरिएबल था पूरा उठा के भेज देता हूँ। उसके बाद एक सिंगल प्रोडक्ट गेट करने के लिए स्लैश प्रोडक्ट स्लैश उसकी ID, ठीक है, तो मैं इसको कॉल कैसे करूँगा, बेस URL लिखूँगा पहले, उसके बाद स्लैश लगा के प्रोडक्ट और उसके बाद स्लैश लगा के एक वैल्यू दूंगा जो कि नंबर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं नंबर लिखूँगा तो भी मिलेगा मुझे, स्ट्रिंग फॉर्म में ही मिलेगा ये, ठीक है। ये हो गया जी। अच्छा, कुछ वैलिडेशंस वगैरह मैंने चेक किए हैं और उसके बाद मैंने फॉर लूप लगा के उसको फाइंड आउट किया कि जी इस ID की प्रोडक्ट आया कि मौजूद है, अगर मौजूद है तो उसको मैं भेजता हूँ, अदरवाइज मैं 404 लिख कर भेजता हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरी स्लैश प्रोडक्ट स्लैश ID वाली API हो गई, ठीक है। इसी तरह हमने मज़ीद तीन APIs यहाँ पे लिखी हैं। अच्छा, अब इसमें हमने और लास्ट में सबसे हमने कहा कि यार एनवायरनमेंट के अंदर एक पोर्ट नाम का वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल के अंदर जो भी नंबर रखा हुआ है ना उसको इस पोर्ट के तौर पे कंसिडर कर लो, और जब हम ऐप डॉट लिसन करते हैं तो फिर उसी पोर्ट के ऊपर इस हम अपनी ऐप को चला रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है ये मुझे कहाँ पे मिलेगा, जब मैं गूगल क्लाउड पे इसको डिप्लॉय करूँगा, जब मैं वर्सल पे या मैं साइक्लिक पे या हरिको पे इसको जब डिप्लॉय करता हूँ, तो उन लोगों ने पहले से प्रॉमिस किया होता है कि जी हम अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में ये पोर्ट नाम का वेरिएबल रखेंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिलता है वो वेरिएबल समहाउ, तो वो गूगल क्लाउड की साइट से इशू है, वो आपकी साइट से इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि कन्वेंशन है तो तकरीबन जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो सब इसी कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, मे बी किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर में ये डिफरेंट हो, लेकिन अगर डिफरेंट होगा तो उन्होंने लिखा होगा अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। मोर और लेस सब जगह यही होगा, इसमें चेंज नहीं होगा कोई। अच्छा, और का साइन लगा के मैं लोकल 3000 इस पर एक नंबर लिखता हूँ, वो इसलिए लिखता हूँ कि अगर मैं लोकल चलाऊँगा तो मेरे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल में ये पोर्ट नाम का वेरिएबल नहीं बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, तो मेरा ऐप ब्रेक ना हो जाए अगर कोई इसको क्लोन करता है, और क्लोन करने की सूरत में उसके पास अगर ये वेरिएबल नहीं है तो ये ऐप ब्रेक ना हो, ये चल जाए 3000 पोर्ट पे चल जाए, ठीक है। स्टिल अगर मुझे गूगल क्लाउड पे भी ये वेरिएबल नहीं मिला तो ये उस पर भी 3000 पे चलाने की कोशिश करेगा, ठीक है, चलेगा नहीं ऑब्वियसली क्योंकि 3000 उधर अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। और हम ये पोर्ट उनके एनवायरनमेंट वेरिएबल से क्यों उठाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि उनके पास कौन कौन सी पोर्ट अवेलेबल है और कौन कौन सी पोर्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मेरे कंप्यूटर में मुझे पता है कि यार 3000 अवेलेबल है, ठीक है, मेरे कंप्यूटर में मुझे पता है कि 5000 अवेलेबल नहीं है, सही है। मैक में अभी जो अपडेट आई है उसमें 5000 पोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, क्यों, 5000 पोर्ट उन्होंने डेडिकेटेड कर दिया है किसके लिए, और एयरप्ले करके एक इनके पास होती है चीज़, उसके लिए इन्होंने डेडिकेट कर दिया। एयरप्लेन का ये होता था कि जैसे अब जैसे मैं यहाँ पे कास्ट कर रहा हूँ ना स्क्रीन, तो एप्पल के जो TV होते हैं उसमें जब आपने कास्ट करना होता है तो एयरप्ले उस नाम देते हैं हर चीज़ को, ये वैसे तो कास्ट भी इन्होंने भी नाम दिया हुआ है कास्ट, तो वो क्या होता है एयरप्ले के ज़रिए वो कनेक्ट होता है,
तो अब इन्होंने क्या कहा है, अब इन्होंने बोला कि यार जो आपके लैपटॉप और जो मैक कंप्यूटर हैं सारे, उस पर भी ये एयर प्ले चलेगा। तो मैं सम टाइम फ़ोन इस पर मिरर करके आपको जो दिखा रहा होता हूँ वो असल में एयर प्ले है कि जी मैं अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है वो इसके ऊपर मिरर कर सकता हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ कि फ़ोन पे अगर नेटफ्लिक्स में कोई वीडियो चल रही है तो मैं उसके ऊपर एयर प्ले के ज़रिए मैं इस स्क्रीन पे चला सकता हूँ उसको। ठीक है, फ़ायदा तो उसका कोई ख़ास है नहीं, लेकिन मेरे लिए फ़ायदा है भाई, मुझे पढ़ाने में ज़रा आसानी हो जाती है। सम टाइम एक वेब एप्लीकेशन होती है उसको मैं मोबाइल में चल के मुझे जिस तरह दिख रही है, अब मुझे अगर क्लास में दिखानी होती है वैसे तो मैं फ़ोन से दिखाऊंगा तो ज़ाहिर है सब तो को नहीं दिखेगा पीछे तक, लेकिन मैं क्या करता हूँ इस पर मिरर मारता हूँ तो प्रोजेक्टर पे दिख जाता है मेरा पूरा फ़ोन। तो 5000 उन्होंने भाई अवेलेबल नहीं रखी, विंडोज़ में ऑन अदर एंड 5000 अवेलेबल है। ठीक है, तो मुझे पता है कि अच्छा जी कौन कौन सी पोर्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यार डेटाबेस जो हम कनेक्ट करेंगे वो कौन सा डेटाबेस कनेक्ट करें। अब ये सबसे पहला सवाल है। एक हमारे पास चॉइस है सीक्वल डेटाबेस की, एक हमारे पास चॉइस है नो सीक्वल डेटाबेस की। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं ज़रा SQL databases list। ठीक है, ये सारे वो databases हैं जो SQL बेस हैं, जिसमें MySQL है, MariaDB है, Oracle है, PostgreSQL है, ठीक है, MSSQL है, SQLite है, और भी बहुत सारे हैं जो यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन इन्होंने लिस्ट बता दी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है एक नो सीक्वल डेटाबेस की लिस्ट है। ठीक है, ये वो सारे डेटाबेसेस हैं जो नो सीक्वल हैं, जिसमें MongoDB टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसके अलावा Neo4j है, CouchDB है, Amazon ने एक बनाया हुआ है DynamoDB। तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई है नो सीक्वल डेटाबेसेस की। अच्छा, इसमें MySQL शो नहीं होना चाहिए था, तो ज़रा एक विकिपीडिया का पेज देख लेते हैं, मे बी इन्होंने नो सीक्वल की भी सपोर्ट दे दी। अच्छा, कुछ डेटाबेसेस ऐसे हैं जिन्होंने नो सीक्वल की भी सपोर्ट दी हुई है। ठीक है, जिसमें आपका ये जो पोस्टग्रेस जो है ना, उसने भी थोड़ा सा एक कुछ मंजन किया हुआ है अंदर, जो ज़रा ट्रेडिशनल सीक्वल से हट के, और यही वजह है कि वो थोड़ा सा भी लोग उसको ना वो कर रहे हैं। MySQL विकी, हाँ नो सीक्वल की कुछ बात हुई भी तो है। जनरली अवेलेबल MySQL 5.6 वाज अनाउंस इन फेबररी 2013, इंक्लूड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, हायर ट्रांजेक्शन आउटपुट इन InnoDB, न्यू नो सीक्वल स्टाइल मेमोरी कैश्ड APIs। कुछ क्वालिटीज़ हैं जो नो सीक्वल की इन्होंने ऐड की हैं। अच्छा, MySQL 8.0 वाज अनाउंस्ड 18 इंक्लूडिंग नो सीक्वल डॉक्यूमेंट स्टोर। अच्छा, इन्होंने नो सीक्वल की सपोर्ट दे दी है, मतलब पूरी डॉक्यूमेंट जब स्टोर हो रहा है तो ख़त्म हो गई बात फिर तो। well, हम इसको नहीं पढ़ रहे तो इस पे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि अब नो सीक्वल के डॉक्यूमेंट तो स्टोर हो रहे हैं, लेकिन क्या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ये सपोर्ट कर रहा है और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, तो क्या वो सारी चीज़ें अगर फुलफ़िल कर रहा है तो फिर तो मतलब ये नए वाले डेटाबेसेस की सफ़ में आगे खड़ा हो गया ना। वेल, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं MongoDB। ठीक है, अच्छा MongoDB जो है वो नो सीक्वल डेटाबेस है। नो सीक्वल डेटाबेस के कुछ फ़वाद सुन लें दो चार पॉइंट्स में, फिर हम इसके हेलो वर्ल्ड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, जो नो सीक्वल डेटाबेस है ना, वो स्कीमा लेस होता है सबसे पहली बात तो। अच्छा, स्कीमा लेस तो बाद में आती है बात, सबसे पहली बात ये है कि जदीद दौर के जो तकाज़े हैं ना, कुछ ऐसे तकाज़े हैं जो जिसके लिए नो सीक्वल ज़रूरी था, क्योंकि सीक्वल डेटाबेसेस जिस ज़माने में बनाए गए थे उस ज़माने में जो फ्लॉपी डिस्क चलती थी और वो CD वगैरह का, USB वगैरह का ज़माना था। ठीक है, और उस टाइम पे USB जो होती थी वो 1 GB की USB होना बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, 1 GB की USB बहुत महंगी मिलती थी यार, उस ज़माने में मैंने ख़रीदी थी 1 GB की USB, तो वैसे वो स्लाइड हो गया, उसका मुंह बाहर आता था, स्लाइड हो गया अंदर जाता था, किंगस्टन की, तो बड़ी बात होती थी। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो जो हार्ड ड्राइव होती है वो मिनिमम आपको 32 GB से कम की USB मिलती भी नहीं है। ठीक है, ख़त्म हो गई है, मार्केट में जाओ तो 32 GB 64 GB से कहानी शुरू होती है,
और वो फिर 256 तक भी जाती है, 512 तक भी जाती है। तो और अब तो फ़ोन में भी 1 TB की स्टोरेज आना शुरू हो गई है। जितने भी अब नए वाले अभी इस साल जो फ़ोन आए हैं उसमें 1 TB का ऑप्शन इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो उस ज़माने में भाई 144 फ्लॉपी में कितना डेटा स्टोर होता था, 144 MB की स्टोरेज होती थी फ्लॉपी में, वो भी जो नई वाली थी। उससे पुरानी जो थी उसमें KBs में हुआ करती, वो थोड़ी साइज़ में बड़ी भी होती थी। और CD में कितना डेटा स्टोर होता था, 700 MB डेटा स्टोर होता था। लेकिन अब जो CD हैं उसमें पता नहीं 500-500 GB का डेटा आ जाता है। जो प्ले स्टेशन में हम लगाते हैं जो CD होती है, तो वो आप जब लगाते हैं तो अच्छा खासा बड़ा होता है साइज़ में गेम। वो पहले उसको घुमाता है, वो 5-10 मिनट पूरे गेम को कॉपी करता है, तो 100-150 GB 200 GB के होते हैं आमतौर पर गेम। समटाइम अगर 2 CD में होते हैं, समटाइम 1 में होते हैं। तो अब जो है वो नई वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, ज़रा दौर चेंज हो गया है। अब उस टाइम जो डेटाबेसेस बनते थे, ज़ाहिर है वो भी इसी हिसाब से बनते थे। उस वक्त के ज़माने में जो फ़ोन थे वो भी उसी हिसाब से फ़ोटो और उसी हिसाब से डेटा जनरेट करते थे। मोबाइल ऐप्स तो ना होने के बराबर थी उस वक्त। मोबाइल ऐप्स तो जब स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुए, ये 2000 में जब स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें सबसे पहला स्मार्टफोन नोकिया 3310 था, तो उसके बाद ऐप्स का तसव्वुर आना शुरू हुआ। उससे पहले तो डेटाबेस तो सारे बन चुके थे, जब तक ये सीक्वल जितने भी हैं वो सब उससे पहले के बने हुए हैं, ठीक है। जो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है और ये ओरेकल जो है, ये सब उससे पहले का बना हुआ है। हम जब बचपन में छोटे छोटे थे, हम डॉक्टर EF कोड की कहानी सुनते थे कि भाई उनको माइक्रोसॉफ्ट वालों ने निकाल दिया और जो है ना ओरेकल वालों ने उनको हायर कर लिया, तो इस तरह की जो स्टोरीज होती, ये सब बन चुके थे उस पर। तो मोबाइल ऐप्स उसके बाद आई, उससे हर बंदे के पास 4G वगैरह आ गया, ऐप्स बढ़ गई, डेटा की प्रोडक्शन बढ़ गई, डेटा की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई। जब ये डेटाबेस बने थे MySQL वगैरह, उस वक्त जो इंटरनेट की स्पीड होती थी वो KBs में होती थी, वो भी ठीक है, डायलअप नेटवर्क होता था। जब तक इंटरनेट चलता था फ़ोन नहीं चलता था, फ़ोन बंद रहता था, ठीक है। टेलीफोन की तार से लगा के, और वो कार्ड आता था, किसी है कोई यहाँ पे कार्ड वाला इंटरनेट जिसने यूज़ किया हो, तुमने किया है? कार्ड आता था 100 रुपये का, 1 घंटा चलता था उससे इंटरनेट, ठीक है। उस कार्ड पे एक नंबर लिखा होता था, वो स्टार हैश वाला, वो हम लंबा चौड़ा सा नंबर होता था, वो डाल देते थे फ़ोन पे, तो वो 1 घंटे के लिए हो जाता था। तो 4-5 दोस्त मिल के कार्ड ख़रीदते थे और 4-5 दोस्त यूँ होके बैठते थे, और हमारे पास पहले से पेपर पे पहले से लिखा हुआ होता था कि हमने इस 1 घंटे में ये काम कर लेना है, मतलब छोड़ नहीं सकते ना फिर उसको। फिर हम उसका 1-1 मिनट उसको यूटिलाइज़ करते थे प्रॉपरली। तो उस ज़माने में ये डेटाबेसेस बने थे, तो आप समझ सकते हैं कि ये डेटा की उस वक्त यानी मामलात बिल्कुल डिफरेंट थे अभी के मुकाबले में। अच्छा, अभी का जो दौर जो है ना, इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में, वो है बिग डेटा। बिग डेटा जो है वो जदीद दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, बिग डेटा जो है वो MongoDB या इस तरह के जो NoSQL डेटाबेसेस हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, बिग डेटा को सपोर्ट करना क्यों बिग डील है, इसके लिए हमें बिग डेटा को समझना पड़ेगा। बिग डेटा के अंदर 3 क्वालिटीज़ अगर किसी भी डेटा में हो उसको हम बिग डेटा कंसिडर करते हैं, ठीक है। कौन सी है वो 3 क्वालिटीज़, किसी को अगर पता है, किसी को कोई आइडिया? हाँ भाई, स्कीमा लेस होता है, और बिग डेटा से क्या क्या समझ आता है, व्हाट इज बिग डेटा? नहीं नहीं, डेटाबेस को अभी छोड़ दो, अभी बिग डेटा क्या है? अभी तो डेटाबेस में स्टोर होगा ना ये डेटा, बिग डेटा। बिग डेटा इटसेल्फ क्या चीज़ है? मैंने ये जिक्र किया कि 3 क्वालिटी ऐसी हैं अगर किसी भी डेटा में, उसको हम बिग डेटा कहते हैं। तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, क्या लगता है तुम्हें कि कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी होंगी जिसको हम बिग डेटा कहेंगे? हाँ भाई, एनी ओपिनियन? मैं असल में खुद भी भूल गया कि वो 3 क्या थी। मैं अभी लिखूंगा तो आ जाएगा। हाँ, वॉल्यूम, वैरायटी। अच्छा, ये तो अभी उन्होंने 3 से बढ़ा के 5 कर दिया इन्होंने, यहाँ पे 5 आ रहा है।
पांच आ रहे हैं यहाँ पे, तो तीन नहीं आ रहा है। अच्छा, तीन वाला भी है, पांच वाला भी है और छह वाला भी है। वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी है, ठीक है। वॉल्यूम यानी उसका साइज, तो कितना बड़ा साइज होगा डेटा का, तो उसको मैं बोलूँगा कि यार ये बिग डेटा है। इमेजिन करते हैं, जैसे हमारे पास कराची में जो कनेक्शन उतरा हुआ है गवादर पे, इंटरनेट की जो सबमरीन की तार आई हुई है ना, तो यहाँ एक उतारी है तार और वहाँ से फिर ज़मीनी रास्ते से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो रहा है। फिर एक गवादर में उतरी हुई है, एक कराची में भी शायद उतरी हुई है, दो तीन कनेक्शन हमारे पे उतरे हैं। किसी ज़माने में एक ही हुआ करता था, अब दो तीन हो गए। अभी नोकिया वालों ने जो नई केबल बिछाई है उसका भी एक कनेक्शन हमारे पास वो गवादर में उतरा हुआ है। वेल, तो जो एक कनेक्शन है, जो कुछ अरसे पहले वो शार्क खा गई थी पता नहीं उसको, वो 600 Gbps का कनेक्शन था, ठीक है। 600 Gbps का कनेक्शन था, ये भी कोई चार पाँच साल पहले की रिपोर्ट आई थी कि भाई वो हमारे पूरे पाकिस्तान का जो लोड है वो पता नहीं कितना है, तो 600 Gbps कम हो गए तो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो हुआ होगा। तो हम इस 600 Gbps को लेके चलते हैं। 600 Gbps में 24 घंटे में कितना डेटा जनरेट होगा, कितने Gbps का डेटा आना और जाना कर लेगा? 600 Gbps का मतलब होता है, एक तो जी होता है बड़ा वाला जी, सही है, जी बी, लेकिन जी बी पी एस जो होता है उसमें, जी बी पी एस में छोटा वाला बी इस्तेमाल होता है, यानी कि बिट्स। तो 600 को मैं डिवाइड करूँगा ना अगर 8 से, तो मेरे पास वो बड़ा वाला जी आ जाएगा जो हम स्टोरेज में यूज़ करते हैं। 75 गीगाबाइट जो है ना एक सेकंड में उस कनेक्शन से गुजरेगा अगर वो 600 Gbps का कनेक्शन है, ठीक है, 75 GB। अच्छा, दिन में कितने भाई होते हैं सेकंड्स? इन अ डे 86400 सेकंड्स होते हैं, तो 75 को मल्टीप्लाई कर दो, अब तकरीबन 64 लाख GB एक दिन में ना डेटा आना और जाना कर लेगा उस कनेक्शन से, ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटी भी हो सकती है उस कनेक्शन के आने और जाने में, उसमें ज़ाहिर है कोई फायरवॉल लगाना पड़ सकता है मुझे, उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ सकती है मुझे, बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं, ठीक है। चलो एक और मैं यूज़ केस, एक और मैं एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें बिग डेटा की, कि जो हम फ़ोन कॉल्स करते हैं डेली बेसिस पर, तो पाकिस्तान में 20 करोड़ की आबादी है और तकरीबन हर बंदे के पास ही फ़ोन है, लेकिन मैं इमेजिन करता हूँ कि 10 करोड़ के पास फ़ोन है आधे लोगों के पास, ठीक है, और वो रोज़ एक मिनट की कॉल करते हैं डेली, वो लोग 10 करोड़ बंदे एक मिनट की कॉल करते हैं, हालांकि एक मिनट नहीं, इससे कहीं ज़्यादा लंबी बातें लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 1 करोड़ मिनट हो गए। अच्छा, एक मिनट का जो ऑडियो क्योंकि जा रही है वेव फॉर्मेट जा रहा है, मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि 400 KB होगा उसका, तो 400 KB मल्टीप्लाई बाई 1 करोड़ मिनट, तो 400 करोड़ KB हो गए ये। अच्छा, 400 करोड़ KB को अगर मैं GB में कन्वर्ट करूँ तो ये अच्छे खासे ये भी बनेंगे, ठीक है, कोई हज़ारों GB में ये बनेगा। तो हज़ारों GB का जो डेटा है ना वो मोबाइल फ़ोन पे भी रोज़ जा रहा है, इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये एक बहुत लंबी लिस्ट है जो अब मैं बोलता जाऊँगा ये ख़त्म नहीं होगी। यूट्यूब पर डेली पता नहीं कितनी लाख वीडियोज़ अपलोड होती हैं और HD क्वालिटी में होती है, तो उसका साइज़ भी बड़ा होता है। मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ ये मोस्टली 15 GB तक इसका साइज़ होता है, जो 2 घंटे की वीडियो में डाल रहा होता हूँ, ठीक है, 5-6 GB से लेके 15 GB के दरमियान इसका साइज़ होता है। और हर क्लास में मैं डालता हूँ वीडियो, इस तरह पता नहीं कितने लोग डाल रहे हैं। फेसबुक पे पोस्ट जो होती है डेली बेसिस पे, वीडियोज़ भी होती हैं उसमें, फ़ोटोज़ भी होती हैं उसमें, टेक्स्ट भी होता है, ट्विटर के ऊपर जो ट्वीट हो रही होती है, या स्ट्रीमिंग साइट्स जो हैं हमारी जैसे ट्विच वगैरह है, लोग उस पर 4K में स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं उस पर, और डेली पता नहीं कितने उसमें वो हो रहा होता है, या जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं लोग पबजी वगैरह, उसमें जो ऑडियो में ज़ाहिर है उसमें भी बात बात कर रहे होते हैं लोग आपस में, उसमें जो ज़ाहिर है कंट्रोलर से जो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बंदा इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर फायर कर रहा है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन भी ओवर द इंटरनेट ही एक जगह से दूसरी जगह जारी होती है। तो इतने करोड़ों की तादाद में लोग जो है वो गेम भी खेल रहे होते हैं, सही है, और एक बहुत लंबी लिस्ट है ये। तो हमने क्या देखा कि वॉल्यूम हमारे पास, लेकिन सिर्फ वॉल्यूम का होना काफ़ी नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम अगर किसी डेटा का ज़्यादा है ना तो उसको हम बिग डेटा नहीं कहेंगे,
दूसरा हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी कि उस डेटा की फ्रीक्वेंट, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगा वो डेटा। मिसाल के तौर पर हमने ये देखा कि भाई 75 लाख पता नहीं कितने GB का डेटा एक दिन में ट्रांसफ़र होता है इस 600 GBPS की सबमरीन केबल से। अब मैंने क्या किया, उस डेटा का बैकअप ले लिया, उस डेटा का मैंने बैकअप ले लिया। अब उस पर मैं कोई AI का एल्गोरिथम चलाऊंगा, कोई एनालिसिस चलाऊंगा कि जी इसमें किस किस्म की बात हो रही है या किस किस्म का डेटा ये जा रहा है, उसमें से कोई एनोमली अगर मुझे डिटेक्ट करनी है तो ज़ाहिर है कि एल्गोरिथम चलेगा उस पर, वो चलने में टाइम लेगा। ठीक है, इतना बड़ा डेटा है तो उसको चलने में शायद 24 घंटे शायद उसको लगें या 50-60 घंटे लगें उसको चलने में। लेकिन जितनी देर में वो एनालिसिस करेगा उतनी देर में पीछे से उतना ही डेटा और आ जाएगा अगले दिन, फिर उसके अगले दिन और आ जाएगा, फिर उसके अगले दिन और आ जाएगा। ये रुकेगा नहीं क्योंकि इंटरनेट बंद थोड़ी हो रहा है, ये तो चल रहा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो 10 करोड़ लोग रोज़ 1 मिनट की कॉल हमने अज्यूम किया कि कर रहे हैं, तो 10 करोड़ मिनट का जो डेटा रिकॉर्ड हो गया ना, वो 10 करोड़ मिनट इतना बड़ा, मतलब यानी 10 करोड़ मिनट की अगर रिकॉर्डिंग है तो इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग है कि मैं कहता हूँ 100 लोग भी मिलकर अगर उसको देखना शुरू करें ना, सुनना शुरू करें, तो वो 100 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, वो रिकॉर्डिंग ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, 10 करोड़ मिनट इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब जाहिर है उसको तो AI के ज़रिए ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब ये 10 करोड़ मिनट का जो डेटा है ये आप AI पर डालोगे, उसको आप प्रोसेस करोगे, इसको आप बैकअप बना के रख नहीं सकते आप, क्योंकि अगले दिन और 10 करोड़ मिनट आ जाएंगे, उसके अगले दिन और आ जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। फेसबुक के जो पोस्ट आ रही है डेली बेसिस पे या ट्वीट्स जो आ रही हैं डेली बेसिस पे, वो रुकेगी नहीं, वो डेली आएगी, हर घंटे आएगी, वो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, कभी कभी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन वो रुकेगी नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी अपनी जगह रहेगी, फ्रीक्वेंट है वो डेटा बहुत ज़्यादा। ये दो क्वालिटी होना भी काफ़ी नहीं है, एक तीसरी क्वालिटी जो है हमें वो भी चाहिए होगी जब जाके ये बनेगा बिग डेटा। तीसरी क्वालिटी है इसमें वैरायटी। वैरायटी यानी कि स्कीमा लेस। अच्छा, स्कीमा क्या होता है? स्कीमा यार ये होता है कि जैसे देखो, अब मैं अगर फेसबुक पे पोस्ट कोई आती है ना, तो उसका मुझे स्कीमा पता है। उसका स्कीमा क्या है भाई फेसबुक की पोस्ट का, कि बंदे का एक नाम होगा जिसने पोस्ट की है, उसकी एक प्रोफाइल फ़ोटो होगी, कितने बजे पोस्ट हुई है वो होगा, ये सारी फील्ड फिक्स है ना, ये तो मिलेगी मुझे हमेशा। पोस्ट के अंदर टेक्स्ट क्या है वो मुझे मिलेगा, पोस्ट में फ़ोटो अगर मौजूद है तो फ़ोटो की फील्ड में उसका URL मुझे मिल जाएगा या फ़ोटो मिल जाएगी, अगर उसमें वीडियो है तो वीडियो का URL मिल जाएगा मुझे। ठीक है, कितने लाइक्स हैं वो एक एरे पूरा मिलेगा, उस एरे के अंदर कौन कौन से लोगों ने लाइक किया, उनकी सबकी ID, सबकी प्रोफाइल का मुझे नाम मिल जाएगा उसमें, कितने लोगों ने कमेंट किया और क्या कमेंट किया है वो भी एक ऑर्गेनाइज वे में एक एरे में सजा के मुझे वो दे देगा। ठीक है, कितने लोगों ने शेयर किया वो भी एक ऑर्गेनाइज वे में मुझे सजा के दे देगा। तो ये स्कीमा है, ये मुझे फेसबुक की हर पोस्ट में ये चीज़ें मिलेंगी मुझे, ये ठीक है, फेसबुक की हर पोस्ट में मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, इसी तरह जब मैं फ़ोन कॉल करता हूँ तो फ़ोन कॉल करते हुए मेरे पास स्कीमा क्या होता है, फ़ोन कॉल करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो स्कीमा होता है वो क्या होता है कि जी कौन फ़ोन कर रहा है। ठीक है, जो डायल करने वाला बंदा है उसका नंबर होता है मेरे पास, उस नंबर के अगेंस्ट एक पूरी आइडेंटिटी होती है कि यार इस बंदे, जाहिर है नंबर किसी ना किसी बंदे के नाम पे रजिस्टर होता ही है हमारे यहाँ, ठीक है, सब जगह ही होता है। तो उस बंदे का नाम सीट पर खड़े हो जाए अपने भाई, जैसे ये सब लोग हैं उस बंदे की पूरी आइडेंटिटी मिलती है, उसका नाम, उसका CNIC नंबर, वो कहाँ, उसकी रेजिडेंस है, उसका एड्रेस वगैरह, XYZ, जो जो चीज़ें NIC के अंदर आपको मिलती हैं वो सब उस नंबर के अगेंस्ट आपको मिलती हैं। फिर वो नंबर जो कॉल जो इनिशिएट हुई है वो किस लोकेशन से इनिशिएट हुई है, क्योंकि हर जगह टावर अलग होता है, जब जिस टावर से वो इस वक्त कनेक्टेड है वहाँ से इनिशिएट हुई है वो कॉल। ठीक है, कॉल का ड्यूरेशन क्या है, कॉल करने वाले फ़ोन में IMI नंबर क्या है इस वक्त, ठीक है, कितने बजे कॉल शुरू हुई, कितने बजे कॉल ख़त्म हुई, फिर जिसको कॉल की जा रही है उसके बारे में भी यही सारी डिटेल्स, कि उस बंदे का नाम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, कितने बजे कॉल उसने रिसीव की, उसके पास हैंडसेट कौन सा है, IMI नंबर से वो पता चल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये स्कीमा एक पूरा मुझे मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से जो इंटरनेट की ट्रैफिक जो आना जाना कर रही है, तो उसमें भी मेरे पास क्या होगा कि जी वो हर पैकेट के अंदर हमने देखा था हेडर होता है और बॉडी होती है, इंटरनेट की कम्युनिकेशन इसी तरह होती है, तो वो भी हर जो पैकेट जा रहा होगा उसमें बाकायदा पूरा एक हेडर होगा, वो पैकेट कहाँ जा रहा है,
किस आईपी पे जा रहा है, वो गूगल के सर्वर पे जा रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है वो, और आया कहाँ से है वो, किस कंप्यूटर से वो रिक्वेस्ट निकली है, उसकी आईपी से लेके पूरा टेबल होता है वो राउटिंग के, कहाँ से कहाँ कहाँ से होता हुआ आया ये, ठीक है। और उसके अलावा बॉडी में क्या है भाई, जेसन है और एक्स वाई जेड जो भी डिटेल उसमें हो सकती है पैकेट में, किस राउटर से आया है, ठीक है ना, और उसमें ठीक है मोबाइल फ़ोन है डिवाइस या कौन सा है, यूज़र एजेंट करके वो मिलता है, ठीक है ना, कि किधर कौन से टाइप की डिवाइस है ये, कौन से इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, ये सारी चीज़ें मुझे उसमें मिल रही होती हैं। तो कौन मुझे बताएगा, स्कीमा समझ आ गया, ठीक है, अब कौन मुझे बताएगा कि स्कीमा लेस कौन सा डेटा ऐसा होगा जिसका कोई स्कीमा नहीं है। मुझे कोई ऐसे डेटा की एग्जाम्पल दो जिसमें वॉल्यूम तो मैंने बता दिया क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी बता दी मैंने क्या होता है, तीसरी क्वालिटी भी उसमें हो, स्कीमा लेस भी हो, स्कीमा नहीं हो उसका कोई, यानी पहली जो रिक्वेस्ट आया उसमें कुछ कुछ भी हो सकता है डेटा, जो दूसरे वाले रिक्वेस्ट आएगी वो उससे पहले वाले से मुख्तलिफ हो सकती है और हमें नहीं पता होगा कि इसके अंदर क्या है, स्कीमा लेस भी हो। कोई एग्जांपल आ रही है जहन में? अच्छा, आई एम श्योर जितने यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं उन्होंने MongoDB वगैरह पहले पढ़ा हुआ होगा, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा एस्पेक्ट मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ कि ज़रा सा बैकग्राउंड आ जाता है ना, पता चल जाता है यार क्यों, वरना आपसे अगर कोई मतलब वैसे ही आते हैं ना कभी अजीज़ रिश्तेदार कहीं पे कोई बात हो जाती है तो किसी ने आपसे पूछ लिया अगर कि यार नो सीक्वल और सीक्वल में फ़र्क किया तो आप वैसे ही फंस जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़र्क मैंने अभी भी नहीं बताया आपको, बाय द वे ये फ़र्क ये नहीं है, फ़र्क एक्चुअल कुछ और है, वो हाँ ये भी एक फ़र्क है काइंड ऑफ कि ये बिग डेटा को सपोर्ट कर लेता है, इसके अंदर इतना इतनी जान है इसके अंदर कि बिग डेटा को ये संभाल लेता है, ये भी एक डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कुछ और है इसका, ठीक है। एक्चुअल डिफरेंस ये वो रेप्लिका वेप्लिका से मुताल्लिक है, वो अभी समझ नहीं आएगा इसलिए मैं अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा। वेल चलो भाई, स्कीमा लेस डेटा की कोई एग्जाम्पल बताओ। दोस्त ने कहा कि यार अगर मैं फेसबुक पे पोस्ट कर रहा हूँ ना तो फेसबुक पे मेरे पास ऑप्शनल होता है ना कि यार या तो मैं फ़ोटो डाल दूँ या तो मैं वीडियो डाल दूँ या मैं सिर्फ टेक्स्ट डालूँ, तो स्कीमा में कोई चीज़ ऑप्शनल हो सकती है, ये स्कीमा लेस नहीं हुआ। स्कीमा में क्या हो सकता है कि कोई एक चीज़ ऑप्शनल हो सकती है कि जी ये चीज़ मतलब अगर मिली तो आपको फ़ोटो URL के नाम से मिलेगी, अगर मिली तो फ़ोटो URL के नाम से मिलेगी और अगर नहीं हुई तो अनडिफाइन मिलेगा इसकी जगह, तो ये तो स्कीमा है, स्कीमा के अंदर अंदर ये बात आती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जब आप किसी वेबसाइट पे साइन अप करते हैं तो शुरू में आपसे वो सारी चीज़ें नहीं पूछता, शुरू में आपसे वो नाम, ईमेल और पासवर्ड पूछता है सर, आहिस्ता आहिस्ता फिर एक एड्रेस भी पूछ लेता है, फिर कुछ और भी पूछ लेता है, ठीक है। तो उसमें ये अंदर स्कीमा में ये बात मेंशन होती है कि ये चीज़ ऑप्शनल है, इसके अंदर अगर मिली तो इस नाम से मिलेगी, अगर नहीं हुई तो अनडिफाइन होगा। लेकिन स्कीमा लेस का मतलब ये है कि बिल्कुल ही रैंडम कोई चीज़ आ जाए, मतलब फ़ोटो URL तो हमें पता है ना कि अगर मिला तो इसी नाम से मिलेगा, लेकिन स्कीमा लेस का मतलब कि बिल्कुल ही रैंडम होगा कोई। और कोई एग्जांपल? हाँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में, अगर मैं तुम्हारी बात सही समझाऊँ तो तुम ये कह रहे हो कि request.body में तो देखो सर्वर का डॉक्यूमेंट जो है मुझे बताता है ना कि यार ये आपने भेजना है, अगर ये भेजोगे तो सही चलेगा, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगा। तुम ये कह रहे हो कि कोई एडिशनल चीज़ भी भेज दो तो वो मना नहीं करता? अगर request.body में चार पैरामीटर मांगे हैं अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, मुझे चार पैरामीटर भेजने हैं, लेकिन अगर मैंने कोई पाँचवा ही भेज दिया तो उसको इग्नोर करता है, वो चला जाता है, वो सर्वर तक पहुँच जाता है, सर्वर उसको इग्नोर करता है। लेकिन ये बिग डेटा तो नहीं हुआ ना, इसमें वॉल्यूम भी नहीं है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा वैल्यू भेज रहा हूँ मैं। हाँ, हो सकता है ये बात तो स्कीमा लेस वाली आ गई इसमें कि बॉडी का स्कीमा मुझे सर्वर तो बताता है, लेकिन मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा भी भेज दूँ तो कोई मसला नहीं है। सर्वर
स्ट्रक्चर्ड लेस है उसके अंदर, मतलब कोई और भी है पैरामीटर। डेटा की एग्जांपल दो, डेटा की बात हो रही है अभी, कौन सा ऐसा डेटा है जो स्कीमा लेस है? फेसबुक की पोस्ट का स्कीमा लेस कैसे है? क्या कभी हम फोटो पोस्ट करेंगे, कभी वीडियो कर दी, कभी सिर्फ टेक्स्ट कर दिया, तो उसके हिसाब से वो स्कीमा उसका डिफाइन स्कीमा में डिफाइन हो जाता है ना। वो तो स्कीमा में डिफाइन हो सकता है ना कि यार फोटो ऑप्शनल है, टेक्स्ट लेकिन ऑप्शनल नहीं है, टेक्स्ट तो लाजमी देना होता है। कॉल भी नहीं होता। असल बात ये है कि फेसबुक भी स्कीमा लेस है, ट्विटर भी स्कीमा लेस है, कॉल भी स्कीमा लेस है, ये इंटरनेट की कम्युनिकेशन भी स्कीमा लेस है, ये सब स्कीमा लेस है। ठीक है, वो क्यों स्कीमा लेस है? वो इसलिए है जैसे दोस्त ने कहा कि यार कॉल पे जो हम पंजाबी में भी बात कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, भाई फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट है उसका मुझे ये तो पता है कि नाम होगा बंदे का और टेक्स्ट होगा, लेकिन उस टेक्स्ट के अंदर क्या होगा ये नहीं पता। फ़ोटो तो होगी लेकिन उस फोटो के अंदर क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है, कहीं पे कोई शादी हो रही है, कहीं पे कोई ट्रैवल कर रहा है, किसी ने अपनी सेल्फी डाली भी है, कहीं पे कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है, कहीं पे कोई वो क्लास हो रही है, कोई कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। इसी तरीके से जब फ़ोन पे मैं बात करता हूँ तो मैं कुछ भी बात करूँगा ना भाई, बात जो ऑडियो एक्चुअल ऑडियो जो है वो तो मेटा डेटा है सारा, मतलब है वो भी डेटा का पार्ट ही है कि जी कौन कर रहा है कॉल और किसको कर रहा है कॉल, लोकेशन वगैरह एक्स वाई जेड, इन चीज़ों का तो स्कीमा है, लेकिन जो मेन डेटा है ना मेरा जो ऑडियो है वो एक्चुअल, उस ऑडियो का कोई स्कीमा नहीं है, उस ऑडियो को जी ईमेल भी, हाँ वो भी स्कीमा लेस है, लेकिन ईमेल को हम इसमें शायद काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ईमेल की फ्रीक्वेंसी अब शायद अंदर जो मैटर लिखा हुआ है वो स्कीमा उसका कोई नहीं है ना। हाँ मगर हर फिर तीनों क्वालिटी चाहिए ना, बिग डेटा बनाने के लिए तीनों क्वालिटी चाहिए। नहीं ये इन्होंने दोस्त ने अच्छा अच्छी बात की है कि सर इस तरह तो देखा जाए तो हर चीज़ ही स्कीमा लेस है, तो भाई ऐसा ही है ना, जदीद दौर में यही तो मसला है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो जदीद दौर का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, ये मैंने इसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों कहा है डेटाबेस के कॉन्टेक्स में, वो बिग डेटा है, क्योंकि हर चीज़ स्कीमा लेस होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो आप इसको अब हैंडल करने के लिए ना हमें ऐसा डेटाबेस चाहिए जो डायरेक्ट बिग डेटा को डाइजेस्ट कर ले, और वो है MongoDB या इस तरह की और भी जो नो सीक्वल हैं वो इसको कर लेते हैं डाइजेस्ट। ऑन अदर एंड पुराने जो डेटाबेसेस हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है, वो नहीं कर पाते इसमें। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं सीक्वल डेटाबेस की बात करूँ तो उसमें स्कीमा बनता है पहले। स्कीमा असल में डेटाबेस की टर्म है कि जी वो जब टेबल, जैसे हम अगर किसी का है एक्सपीरियंस सीक्वल डेटाबेसेस का, तो उसमें हम टेबल जब बना रहे होते हैं तो शुरू में ही डिफाइन कर देते हैं कि जी इस जगह पे एक नंबर ही आएगा, नंबर के अलावा कुछ नहीं आ सकता है, या इस जगह पे एक स्ट्रिंग आएगा जो कि 20 कैरेक्टर का होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, या इस जगह पे एक लॉन्ग वार चार आएगा, या जो भी उसमें जो अवेलेबल उसमें वेरिएबल टाइप्स होती हैं, डेटा टाइप्स होती हैं, कि जी इसमें यह आएगा, इसका मैक्सिमम 200 कैरेक्टर की लिमिट होगी। ठीक है, फिर उसके अंदर और भी कई तरह के वो हम लिमिटेशंस लगा देते हैं कि जी वो एक एक करके आएगा तो वो प्राइमरी की में एक नंबर भी इंक्रीमेंट होता रहेगा, तो ज़रा वो बड़ा कंट्रोल्ड वे में उसको चला रहे होते हैं और बहुत ऑर्गेनाइज वे में वो चल रहा होता है। ऑन अदर एंड क्या होता है नो सीक्वल डेटाबेस में कि एक जेसन ऑब्जेक्ट है, एक जेसन ऑब्जेक्ट है, नो मैटर व्हाट कि उसके अंदर कौन सी की है कौन सी की नहीं है, मैं उस पूरे जेसन ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट दूंगा, वो डेटाबेस उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक मैंने स्टूडेंट था मेरा एक, उसमें नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, ये सारी कीज़ थी, उसके अगेंस्ट कुछ भी वैल्यू थी, किसी के अगेंस्ट नंबर था, किसी के अगेंस्ट बूलियन था, वो मैंने उसको उठा के दिया, वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, सेव कर देगा उसको।
मैंने अगला ऑब्जेक्ट जो दिया उसमें ना नेम था ना रोल नंबर था, उसमें कोई दूसरी ही वैल्यू थी, बिल्कुल ही दूसरी डिफरेंट वैल्यू थी। मैं वो भी दूंगा मांगो डीबी को, वो भी सेव कर देगा, सही है, मना नहीं करेगा मुझे ना, वो ये बोलेगा कि यार ये तो आपने पता नहीं फला चीज़ नहीं दी और ये नहीं दिया, ये सब इस तरह की कोई बात नहीं करेगा वो। वो जो जो आता जाएगा ना, जेसन ऑब्जेक्ट है जिसको डॉक्यूमेंट स्टोर, इसी वजह से इसको ये लिखा था ना इसने टर्म डॉक्यूमेंट स्टोर, तो वो जेसन का ऑब्जेक्ट वो सीधा सीधा उठा उठा के ना वो सेव करता जाता है बस। और जब भी हम क्वेरी करते हैं, क्वेरी करते हुए हमें बस बताना होता है कि यार फला की हो और उसके अगेंस्ट फला फला वैल्यू हो, वो जिस भी डॉक्यूमेंट में वो की मिल गई तो ले आएगा, अगर की उसमें मौजूद ही नहीं उसको वो छोड़ देगा, ठीक है। अच्छा, अब बिग डेटा पे क्या किया, ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो एक अलग कहानी है, उसकी हम डिटेल में नहीं जाते। ये जस्ट मैंने आपको एक बेनिफिट बताया है नो सीक्वल का, कि वो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए ना ज़रा सा ज़्यादा उनके अंदर वो होता है, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं ज़रा इसका हम बना लेते हैं हेलो वर्ल्ड। अच्छा, मोंगो डीबी का जो डेटा बेस है ना वो, यार वो सीक्वल और नो सीक्वल का जो डिफरेंस है ना वो ये है कि नो सीक्वल, इसके लिए ना पूरा आर्किटेक्चर समझाना पड़ेगा, असल में मसला ही है, समझा दूँ, सब लोग एग्री हैं इस पर है? अच्छा, अच्छा अगर कोई मुझे इमेज वाली रिप्रेजेंटेशन मिल जाए ना, मल्टी रीजन, वेल ये जो डिफरेंस है ना भाई वो आता है मेन जाके जो मल्टी रीजन डेटाबेस होता है ना उसमें आता है। मल्टी रीजन डेटाबेसेस में क्या होता है कि यार आप का एक सर्वर लगा हुआ है अमेरिका में लगा हुआ है, एक सर्वर पाकिस्तान में लगा हुआ है, सब पे ही डेटाबेसेस मौजूद हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि यार हम गूगल पे जब अपना सर्वर डिप्लॉय करते हैं तो वो उसको किस पे चलाता है, पीछे कुबरनेटिस के एनवायरनमेंट पे चलाता है उसको, ठीक है। और कुबरनेटिस के एनवायरनमेंट पे क्या करता है, उसको चला के वो उसका एक इंस्टेंस या दो इंस्टेंस जितनी भी रिक्वायर्ड होती है वो चला देता है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या होता है कि मेरे पास अगर कोई पाकिस्तान से बैठा हुआ अमेरिका में रखे हुए सर्वर पर रिक्वेस्ट करता है ना, तो वहाँ पे जो रिक्वेस्ट की जो लेटेंसी होती है, जो डिले होता है, वो ज़ाहिर है बढ़ जाता है, जिसको हम पिंग कहते हैं, ठीक है, कि वो पिंग का जो एमएस है, माइक्रो मिली सेकेंड जो है, जो रिस्पांस टाइम है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। 200 मिली सेकेंड तक तो बेयरेबल होता है, लेकिन जब उससे ऊपर जाता है तो ये अनबेयरेबल होता है, ख़ासतौर पर कॉरपोरेट्स के लिए और ख़ासतौर पर ऐसी ऐप्स के लिए जो हाई परफॉर्मेंस ऐप हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, जैसे कि पबजी हो गया आपका, जैसे कि फेसबुक हो गया, ठीक है। ये चाहते हैं कि यार फौरन फौरन आए, क्योंकि अगर आपने फेसबुक खोला या इंस्टाग्राम खोला और वो लोडिंग ही ले रहा है, आपने देखा होगा टिकटॉक जैसे ही आप ओपन करते हैं वो ओपन होते के साथ ही वीडियो चलना शुरू हो जाती है, प्ले होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो हाई परफॉर्मेंस ऐप्स हैं ये सारी। हाँ नहीं, मगर जैसे हम उसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे होते हैं तो वो नेक्स्ट जब करते हैं तो डिले नहीं लेता वो, ऐसा नहीं होता कि आप नेक्स्ट करने के बाद आपको एक सेकंड इंतज़ार करना पड़े, वो बफरिंग कर रहे, मतलब हमारे ज़माने में बफरिंग करता था, बफरिंग एक चीज़ होती थी अब वो नहीं होती, अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया बफरिंग वाला, कि पहले क्या होता था यार, आप जब क्लिक करते थे ना तो पहले वो थोड़ी देर लोड होता था, 4-5 सेकंड बकायदा वो घूमता था और फिर वो वीडियो प्ले होती थी, और फिर वो थोड़ी देर चलने के बाद ना एक, मतलब जैसे अगर 5 मिनट की वीडियो है तो वो 1-1.5 मिनट चलने के बाद फिर बफरिंग पे चला जाता था। क्यों? इंटरनेट ही इतना स्लो था और आर्किटेक्चर उस इतना रोबस्ट नहीं था, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के नहीं बनाया जाता था उस वक्त, नीड नहीं थी उस वक्त। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़रा कॉम्पिटिशन बढ़ा तो वो लोगों ने सेलिंग पॉइंट बना लिया कि जी हमारा ज़रा फास्ट है, उसने कहा यार हम इससे भी फास्ट बना देंगे, तो इस दौड़ में फिर ये हमारा इतना फ़ायदा हो गया अब कि ये कम हो गया है, ये वाले मसले अब लोडिंग वगैरह ये चीज़ें कम हो गई हैं, बफरिंग नहीं होती है। तो अब इसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, मल्टी रीजन डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि भाई अगर फेसबुक पे कोई बंदा पोस्ट करता है ना अमेरिका में बैठ के, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे मुझे फ़ौरन नहीं अपडेट होता, वो उसकी जो बातचीत चल रही है वो अमेरिका के सर्वर से ही चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब अमेरिका के सर्वर पे जब वो रिक्वेस्ट करता है ना, वहाँ पे एक डेटाबेस अलग मेंटेन हो रहा है, और पाकिस्तान से अगर कोई बैठ के पोस्ट करता है तो यहाँ जिस सर्वर पर रिक्वेस्ट जा रही है वो आसपास कहीं होगा, या तो मुंबई में होगा या तो कहीं किसी
आसपास की किसी चाइना वाइना में कहीं लगा होगा सर्वर, ठीक है, या और भी बीच में एक दो हैं कंट्रीज़ जहाँ पे सर्वर लगाया जा, सिंगापुर वगैरह शायद में भी कहीं लगा होगा। तो मैं यहाँ इस वाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने एक पोस्ट की, वो अमेरिका वाले बंदे को फ़ौरन नज़र नहीं आएगी, क्यों? कि फेसबुक भी नो सीक्वल यूज़ करता है। फेसबुक पे मैंने यहाँ से कोई पोस्ट किया तो अमेरिका वाले बंदे को वो फ़ौरन नज़र नहीं आएगी, वो तसल्ली से अपडेट करेगा, तसल्ली से जब सिस्टम अवेलेबल होगा जब अपडेट करेगा, वो फ़ौरन नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ये फ़ील नहीं होगा, क्योंकि वो आपको लगेगा फ़ौरन हो गया। फ़ौरन इसलिए हो गया क्योंकि सिस्टम अवेलेबिलिटी है सिस्टम की। जब सिस्टम बिजी होगा तो हो सकता है वो दो चार मिनट भी ले ले, यानी अपडेट एक जगह पोस्ट हुई, मुझे दिख रही होगी कि हाँ मैंने पोस्ट कर दी है, मुझे दिख रही है, लेकिन अमेरिका वाला बंदा अगर मेरी ही प्रोफाइल खोल के रिफ्रेश भी करेगा ना, उसको नहीं दिखेगी वो पोस्ट, ठीक है, उसको एक से डेढ़ मिनट के बाद दिखेगी अगर सिस्टम बिजी है तो। ये नो सीक्वल ये काम करता है। सीक्वल ऑन अदर एंड क्या करता है कि जैसे ही आप किसी एक रीजन में डेटा अपडेट होता है ना, तो वो क्या करता है, वो सारे रीजन में उसको पहले अपडेट करता है, उसके बाद बताता है कि हाँ यार अपडेटेड कंप्लीट। तो ये सबसे बड़ा मेन फ़र्क है सीक्वल में और नो सीक्वल में। अच्छा, यही वजह है कि जो बैंक्स हैं हमारे वो सीक्वल के साथ स्टिक रहते हैं। क्यों? बैंक में क्या होता है कि जी अगर एक जगह से एटीएम से विड्रॉ हुई ना कोई रकम अमेरिका में अगर हुई है, तो वो सब जगह पे अपडेट होगी, उसके बाद वो एटीएम का कार्ड आपका बाहर फेंकेगा कि जी ट्रांजेक्शन कम्प्लीटेड, या उसके बाद वो आपका नोट बाहर आएगा उससे सब जगह अपडेट होने के बाद। तो या अगर किसी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर ने चेक कैश किया आपका, तो वो चेक कैश करने से पहले वैल्यू माइनस करता है कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठ के, अपने वैल्यू माइनस करता है, वो लोड होती है पूरी, वो चेक लग जाता है हाँ यार माइनस हो गया, फिर वो आपको कैश देता है उठा के, ठीक है। तो ज़रा वो रिस्पॉन्स स्लो होता है उसका, क्योंकि वो सारे रीजन में अपडेट करेगा, तो वो घूमता रहता है, जब तक घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है, हम देखते हैं यार पता नहीं क्या चक्कर है ये। तो अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि भाई जैसे मीज़ान बैंक अगर है तो उसने ऐसा नहीं है कि अमेरिका में भी अपने सर्वर लगाए हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन कराची के अंदर तो लगाए हैं ना। कराची का सर्वर अलग है, इस्लामाबाद का सर्वर अलग है, उससे आगे और जो पेशावर वगैरह है उसमें अपना सर्वर अलग लगा होगा। तो मल्टी रीजन का मतलब है कि वो मल्टी रीजन ये वाला। अच्छा, बैंक्स में बाय द वे जो बोलते हैं ना कि सर्वर हमारा स्लो हो गया, सिस्टम स्लो चल रहा है, बेवकूफ़ बनाते हैं, सही है, बैंक का सिस्टम कभी भी स्लो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्लो हो जाए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक एक सिटी के अंदर चार चार सर्वर लगाए हुए होते हैं और उन वो इंटरनेट यूज़ करते हैं। वो इंटरनेट का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो इंटरनेट की तार आई हुई है ये तो इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, ये डेडिकेटेड तार नहीं है हमारी, उन्होंने डेडिकेटेड तार अपने लिए बिछाई हुई होती है कि जी कराची में जितनी ब्रांचेज हैं उन सब के लिए एक डेडिकेटेड इंटरनेट होता है, जिसके ज़रिए वो उनकी आपस की कम्युनिकेशन जो है उसके ज़रिए होती है। तो ये वाले मसले से वो बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन वो आपको इसलिए बोलते हैं कि सिस्टम स्लो है वो किसी रीज़न की वजह से, सम टाइम कैश कम होता है, सम टाइम बहुत ज़्यादा कस्टमर विदड्रॉ कराने आते हैं तो वो चाहते हैं यार कुछ ज़रा चले जाएँ, इस तरह के रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आपको वो बेवकूफ़ बनाते हैं, ठीक है, या आप कोई ऐसी चीज़ करने जाते हैं जो वो नहीं करना चाह रहे, या ATM भी आपने सम टाइम देखा होगा वो बंद कर देते हैं, ATM तो रिमोटली कंट्रोल्ड होता है, वो तो कहीं का भी बंद कर देते हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर मंडी के आसपास के जो ATM होते हैं वो चल ही नहीं रहे होते। अब तो खैर मंडी ऐसी जगह कर दी है उन्होंने, तो ईद वगैरह के टाइम पे क्या होता है कि जिस जगह पे वो ज़्यादा विड्रॉल चल रहा होता है ना उसका वो शो कर देते हैं आउट ऑफ कैश, या इस तरह की कोई भी चीज़ वो कर सकते हैं रिमोटली, क्योंकि वो कंट्रोल्ड होता है, बंदा होना ज़रूरी नहीं है। वेल, तो क्या होता है कि जो अगर कराची से किसी ने ATM से विड्रॉ किया ना और साथ में ही वो कॉल पे है और पेशावर में भी वो बोल रहा है कि यार तू भी विड्रॉ कर सेम टाइम पे, दोनों के पास आ जाएंगे 50,000, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि वो सीक्वल पे उन्होंने ये वाला काम किया हुआ है, इसको इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन जो है वो नो सीक्वल में भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, ट्रांजैक्शन जो है वो नो सीक्वल में भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि नो सीक्वल किसी से पीछे है, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट जो है ना अगर आप बगैर कुछ किए आप करते हैं तो इनकी अप्रोच ये वाली है, उनकी अप्रोच वो वाली है। उसके सीक्वल के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते कि यार किसी जगह पे अपडेट ना हो, बस एक जगह पे अपडेट होके आ जाए, ठीक है, वरना वो मकसद ही फौत हो जाएगा पूरा, जो वो पूरी कहानी चल रही है उसकी। तो वेल, अब ये स्टिल एक लंबी डिबेट है, ये दो जुमलों में मैंने समझाया है लेकिन मेक सेंस नहीं बन रही है बात, स्टिल आई एम श्योर ये मेक सेंस नहीं बन रही होगी कि यार ये क्या चक्कर है, मल्टी रीजन की कहाँ से बात आ गई। तो मल्टी रीजन जो है वो बहुत आगे की कहानी है,
मल्टी रीजन को समझने के लिए ज़रा टाइम चाहिए, टाइम चाहिए और समझाने के लिए भी टाइम चाहिए। वेल तो हम आ जाते हैं यार MongoDB.com पे। अच्छा MongoDB ना लोकली भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, आपकी मशीन के अंदर लोकली इंस्टॉल हो जाता है डेटाबेस और वो चलना शुरू हो जाता है और आप क्या करते हैं उसको लोकल होस्ट करके उसको एक्सेस कर रहे होते हैं आप। अच्छा लेकिन हम इस कोर्स में लोकल डेटाबेस इंस्टॉल करना नहीं सीखेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट क्लाउड वाला सीखेंगे। अच्छा लोकल डेटाबेस हम क्यों नहीं सीखेंगे, उसका रीज़न ये है कि लोकल हमें कभी भी सेटअप करने की शायद ज़रूरत ना पड़े अपने करियर में, आप लोगों के करियर में आपको लोकल डेटाबेस सेट करने की कभी भी ज़रूरत ना पड़ेगी शायद। क्यों? कि लोकल डेटाबेस सेट करने का मतलब है कि आपने घर में अपने एक सर्वर लगाना है या ऑफिस में या जहाँ पे भी अपने मतलब इन हाउस आप सर्वर एक लगाएंगे, बाकायदा पूरा एक मशीन ला के रखेंगे फिज़िकली, जो कि इस ज़माने में बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। तो जो छोटे बिजनेसेस हैं या मिड साइज़ के बिजनेसेस हैं वो इसको अवॉइड करते हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसेस हैं जाइंट्स हैं जो वही सिर्फ ये काम करते हैं कि जी इन हाउस सर्वर लगाते हैं, या फिर कोई ऐसा हो कि जी सेंसिटिव है बहुत, जैसे कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या कोई बैंक्स वगैरह भी ज़रा सेंसिटिव होते हैं अपने डेटा को लेके, ठीक है, तो उस तरह के लोग सिर्फ अपना लगाते हैं। अदरवाइज़ जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया की भी बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जिन्होंने अपना कुछ भी नहीं लगाया हुआ, ठीक है, इवन फेसबुक जैसी कंपनी भी है उन्होंने लगाया हुआ तो है अपना डेटा सेंटर है उनका, लेकिन वो साथ में क्या करता है AWS को क्लाउड पार्टनर डिक्लेयर किया है उसने, अभी जब मेटा के ये निकाला है ना उन्होंने जो भी मेटावर्स का क्या प्लेटफॉर्म है उनका, बहरहाल जो भी नाम है, तो वो जब प्लेटफॉर्म इन्होंने रिलीज़ किया था तो बोला था यार AWS से हमारा जो है ना MOU साइन हुआ है कि जी हमारा क्लाउड पार्टनर है। क्लाउड पार्टनर का क्या मतलब है कि फेसबुक के पास अवेलेबल जो कंप्यूटर्स हैं अगर उन अगर वो आउट परफॉर्म हो गया यानी उससे ज़्यादा उसके पास लोड आ गया तो वो अपना लोड किधर डालेगा, AWS के कंप्यूटर पर डालेगा। तो वो भी मतलब टोटली डिपेंड नहीं कर रहे अपने पास वाले पे, मिलजुल के चल रहे हैं आपस में। तो घर पे कंप्यूटर रखना जो है ना ये ज़रा सा एक्सपेंसिव है, अब उसके बिजली का एक्सपेंस भी होगा, उस पर एक बंदा भी आपको लगाना पड़ेगा, उसमें ज़ाहिर है फिर वो हार्डवेयर जो आप ख़रीद के लाए हैं मशीन वो भी कॉस्टली है, फिर उसमें वेयर टेयर होगा, उसका हार्ड ड्राइव रैम वगैरह आप रिप्लेस करोगे ज़ाहिर है साल बाद, ठीक है। ऑन अदर एंड क्या होता है कि एक आपने नॉड चलाना है तो गूगल क्लाउड पे एक नॉड फ्री है, एक नॉड के पैसे भी नहीं ले रहा आपसे, वो दो नॉड भी चलाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा $20-30 आ जाएगा, $20-30 पाकिस्तान के कितने बनता है, कुछ भी नहीं है, $30 कितने बनेंगे, 9,000 300 के हिसाब से 9,000 बनेंगे, ठीक है, 300 से तो कम हो गया अभी रेट वैसे, तो 9,000 9,000 में तो पेंटियम 4 ही मिलेगा, 9,000 में कौन सा कंप्यूटर मिलेगा पाकिस्तान में, कोई सा भी नहीं मिलेगा, ये कोर टूडू शायद मिल जाए, ठीक है, या उससे भी पुराना कोई मिलेगा, वरना जितने भी नॉर्मल किस्म के जो लैपटॉप हैं वो 30-40 हज़ार तक उसकी आजकल रेंज चल रही है, कोई पुराना डब्बा भी मैं लूँगा ना तो वो शायद मुझे मिल जाए 9-10 हज़ार में, ठीक है, लेकिन 9-10 हज़ार में फिर उसको इंटरनेट का कनेक्शन भी दो, फिर हर महीने वो भी भरो, तो अगर घर में जो लगाते हैं इंटरनेट वो भी अगर होगा तो 1200 उसका भी है, फिर बिजली का बिल भी लेगा वो, क्योंकि 300 वाट की पावर सप्लाई होगी उसकी, ठीक है ना, जो 24 घंटे चलने वाला होता है उसको वर्क स्टेशन मशीन कहते हैं वो, या उसको वो सर्वर मशीन के नाम से मशहूर होता है, तो उसमें 300 वाट की पावर सप्लाई लगी होती है, पूरा तो ज़ाहिर नहीं लेगा वो जब तक उस पर लोड नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ज़ाहिर है बिजली का एक एक्सपेंस है, फिर जिस जगह पे वो रखा हुआ है वहाँ पे वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ गर्मी होती है, कभी सर्दी हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है, तो उसका इन्वायरमेंट कंट्रोल्ड होता है, अगर गर्मी है तो एसी वगैरह लगा के या चिलर लगा के उसको रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो उसमें वो फ्रीज़ हो जाता है, फिर उसके लिए भी उसको गर्म भी करना पड़ता है समटाइम, हमारे यहाँ तो खैर इतनी ठंड नहीं होती, माइनस वाली डिग्री नहीं होती हमारे यहाँ, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे -10 तक भी जाता है, तो -10, -20 पे जाके वो एक सर्टेन हर मशीन का ना एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, उसकी एक रेंज होती है, उसमें लिखा हुआ होता है कि यार ये आपकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स हैं, तो उस टेम्परेचर के दरमियान में उसको लाना पड़ता है, ठीक है, फिर एक बंदा आप लगाओगे, एक बंदे की बेस सैलरी इस वक्त क्या चल रही है मजदूर की, 35,000 चल रही है, अच्छा तो मजदूर की जो सैलरी है वो तो नहीं लेगा टेक्नीशियन जो उस सर्वर को देख रहा है कि भाई ऑफ तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, तो वो 35,000 तो नहीं लेगा ना मजदूर वाली सैलरी, 50,000 लेगा कम से कम, तो बस ये 1,00,000 रुपये महीने के अंदर हो गए एक सर्वर लगाते ही आपके,
गूगल क्लाउड आपको दे रहा है $20 में फ्री, एक तो फ्री दे रहा है, दूसरे से पैसे मांगते हैं, यहाँ तो एक में ही ₹1,00,000 हो गया महीने के, तो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, तो डेटाबेस भी अगर आप लोकल सेटअप करेंगे तो बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है आपको। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्टार्ट फॉर फ्री करेंगे, यहाँ से साइनअप कर लेंगे। मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं लॉग इन विद गूगल कर लेता हूँ। साइनअप विद गूगल करने के बावजूद भी ना वो एक स्क्रीन खोल देता है, सारी इन्फॉर्मेशन वो लेता है फिर भी। अच्छा जी, अच्छा, ये जो मैंने चेंज किया, ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन चेंज की है क्योंकि मेरे पास कुछ और भी क्लाइंट के भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसका भी एक्सेस है, तो ये वाला जो है मेरा अपने पे मैं मूव कर गया हूँ ताकि मैं फ्रीली जो है ना प्रोजेक्ट को डिलीट वगैरह कर सकूँ। पता चले उनका मैं डिलीट कर दूँ फिर वो फ़ोन आ जाए। अच्छा, अब मेरे पास जो भी कुछ है ना इसमें, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। सही है। अच्छा, प्रोजेक्ट इसके अंदर ना देखो एक चीज़ होती है प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट तो एक बना हुआ होता है, जब आप ऐसे खोलते हो ना तो प्रोजेक्ट बना होता है। चलो मैं प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ। राइट, प्रोजेक्ट के अंदर जब आप जाते हो तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं, ज़रा उससे इंट्रोडक्शन ले लो। ये जो मेरे पास सामने खुली हुई है ये है कलेक्शन। MongoDB के अंदर क्या होता है, जैसे SQL का जिसका एक्सपीरियंस है उस SQL में होती है टेबल और टेबल में होती है रोज। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास प्रोडक्ट्स, जैसे अभी हम प्रोडक्ट का करड़ ऑपरेशन करने जा रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट के करड़ ऑपरेशन में हम क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट की टेबल होगी अगर सीक्वल के हिसाब से बात करें, और एक प्रोडक्ट जो है वो एक रो होगी उसकी, कि जी प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू, जितनी भी मैंने 200 प्रोडक्ट डाली है तो 200 रो होगी वो टेबल में। नो सीक्वल डेटाबेस के अंदर टेबल की जगह पे क्या होता है, कलेक्शन होती है। ठीक है, अच्छा टेबल की जगह पे नहीं होता, कलेक्शन का कॉन्सेप्ट टेबल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन समझाने के लिए बात हो रही है कि जी एक बनाते हैं हम कलेक्शन, कलेक्शन का नाम रखूँगा मैं प्रोडक्ट्स, एस लगाऊंगा मैं कलेक्शन के नाम में, एस लगाते हैं ये कन्वेंशन है, और उस कलेक्शन के अंदर एक प्रोडक्ट जो है इज़ वन डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट स्टोर है तो वो डॉक्यूमेंट होगा एक। अच्छा, डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, जेसन ऑब्जेक्ट होगा, हम सीधा उठा के यूँ रखेंगे, एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा वो। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि MongoDB के अंदर हमारे पास कलेक्शन होता है और कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू एक प्रोडक्ट। अच्छा, जब हम क्वेरी भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट को उठा उठा के ला रहे होते हैं, हम कहते हैं भाई फला कलेक्शन में जाओ, यानी प्रोडक्ट्स के अंदर जाओ और फला ID का प्रोडक्ट उठा के ले आओ, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट वो रिटर्न कर देता है उस ID के अगेंस्ट। तो ये चक्कर है। तो मेरे पास जो है ना, देखें अब यहाँ पे क्या चक्कर है, डेटाबेस के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और डेटाबेस के अंदर मेरे पास क्या बना हुआ है, एक अदद यहाँ पे कलेक्शन बना हुआ है। इस कलेक्शन को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ बल्कि मैं टर्मिनेट, लेकिन कहीं ये टर्मिनेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम ना ले ले, ये मुझे वो है इससे हो जाता है। इनिशियलाइज करने में तो टाइम ले ही लेगा ये, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ज़रा। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया अभी। अच्छा, तो तो हमने क्या देखा, ये डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो है इसके पास क्या होता है, क्लस्टर होता है। डेटाबेस के अंदर क्या होता है, क्लस्टर होता है। क्लस्टर किस चीज़ को कहते हैं, हम कौन बताएगा, क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को। सही है, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, बहुत सारे अंगूर होते हैं उसमें। सही है, जैसे वो मछली का अंडा होता है वो भी गुच्छे की शक्ल में होता है। ठीक है, लाखों की तादाद में अंडे होते हैं, वो एक साथ चपके हुए होते हैं और एक जेली की तरह वो दिख रहा होता है। तो हम क्लस्टर जो कहते हैं वो हम कहते हैं गुच्छे को। तो हमारे पास जो डेटाबेस है ना, डेटाबेस के डेटाबेस के अंदर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो क्लस्टर है। ठीक है, क्लस्टर मैंने मेरा क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आ जाओ क्लस्टर दोबारा बना लेते हैं हम। अब ये मुझसे पूछ रहा है भाई कौन सा वाला चाहिए, मैंने कहा भाई फ्री वाला चाहिए,
AWS पे करना है, ठीक है जी AWS पे, कुछ मुझे रीजन्स बता रहा है, रीजन जो है वो जो डिफ़ॉल्ट है वही सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल में, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, इस रीजन को कौन सा वाला सेलेक्ट करते हैं आप, जहाँ से इस डेटाबेस को एक्सेस किया जाना है वहाँ से करीब तरीन लोकेशन को आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मुंबई में मुंबई सेलेक्ट नहीं करते आप, ये भी एक बात है, ठीक है। दुश्मन मुल्क नहीं होना चाहिए वो, दोस्त मुल्क होना चाहिए या एटलीस्ट न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। टोक्यो कर सकते हैं हम, हांगकांग कर सकते हैं, अमेरिका कर सकते हैं, ठीक है, सिंगापुर वगैरह। वेल अभी तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखूँगा, लेकिन स्टिल हमने जब प्रोडक्शन में आप कभी बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसका मैप देखेंगे आप कि जी मैप में ये कहाँ पर है, यानी US East 1 जो है ना, ये एक कोड है, ये आप लिखेंगे US East 1 कहाँ है तो वो बता देता है कि जी पता नहीं वो ओहायो में पता नहीं कहाँ है, जहाँ पे भी होता है वो बता देता है कि इधर है, ठीक है। इनके डॉक्यूमेंटेशन में भी उसका बाकायदा कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि जी इस कोऑर्डिनेट पे पिन पॉइंट करके बताता है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे हम देख भाल के, अच्छा तो किस चीज़ से करीब होना चाहिए, जहाँ से इस डेटाबेस को एक्सेस किया जा रहा है। हमारे केस में इस डेटाबेस को कहाँ से एक्सेस किया जा रहा है, पाकिस्तान से। कैसे यूज़र नहीं, हमारे केस में यूज़र पर डिपेंडेंट वो नहीं है ये, हमारे केस में हमारे सर्वर से हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, और हमारा सर्वर कहाँ है, अमेरिका में हमारा सर्वर, ठीक है। हमारा सर्वर अमेरिका में क्यों है, हमने क्योंकि गूगल क्लाउड पे इसको डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जब तक मैं अपनी मशीन में चलाऊंगा जब तक तो पाकिस्तान में चल रहा है ना मेरा सर्वर, लेकिन एक्चुअल में वो चलेगा कहाँ, अमेरिका में चलेगा, क्योंकि गूगल क्लाउड पे जो मैंने डिप्लॉय किया है वो अमेरिका की कोई लोकेशन थी, क्योंकि वो फ्री में वही वाला दे रहा था, बाकी वो दूसरी लोकेशंस फ्री में अलाउ नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैं US East 1 या US जो भी उससे करीब पड़ेगा, अब मुझे नहीं याद है कि वो वेस्ट था या ईस्ट था, कौन सा था, मेरे ख्याल है ईस्ट था, क्योंकि जो ज़्यादातर फ्री वाले सर्वर होते हैं वो US East में होते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो पहले नंबर पे यही रखा हुआ है उन्होंने। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे जहाँ से एक्सेस किया जाना है वहाँ से करीब तरीन वाले को मैं सेलेक्ट करूँगा और क्रिएट का बटन दबा दूँगा, बस ये क्रिएट हो गया। अरे भाई इसकी ऐसी नहीं था, ये बस असल में इसलिए करवाते हैं कि रोबोट्स वगैरह से बचने के लिए ना, आजकल ये सेलेनियम आ गया ना बच्चों के हाथ में, अब वो भी ट्रेनिंग भी कर रहे होंगे, ठीक है ना, डेटा तो जनरेट हो रहा है ना, लेकिन असल में वो तो रोबोट से बचने के लिए करते हैं, क्योंकि वो फिर लोग ना रोबोट लगा के और वो एक्सप्लॉइट करते हैं ना इसको, मिस यूज़ करते हैं इसका फ्री टीयर्स का। किसका काम नहीं, नहीं नहीं भाई नहीं कर पाते डिटेक्ट, मसला है अभी भी, क्योंकि वो चेंज कर देते हैं ना, आप बॉट को जिस चीज़ पर ट्रेन करोगे वो चेंज कर देंगे, वो एक फ़ोटो दोबारा नहीं आती, वो चेंज हो जाती है, और वो रैंडमली इतनी सारी वीडियो अपलोड होती है ना यूट्यूब के ऊपर, तो वो रैंडमली किसी भी वीडियो पे और किसी भी उस पर वो लगा देते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं, तो इतना आसान नहीं है उसको मतलब ब्रीच करना। अच्छा अब ये मेरा ना बन के तैयार हो गया, अब मुझसे ये कुछ सवाल पूछ रहा है कि हाउ वुड यू लाइक योर ऑथेंटिकेट योर कनेक्शन, यूज़र नेम पासवर्ड, मैंने कहा हाँ भाई यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। मैं इसमें क्या लगा देता हूँ, एक यूज़र नेम लगा देता हूँ जी DB यूज़र, ठीक है, और DB पासवर्ड, ठीक है, DB यूज़र और DB पासवर्ड मैंने यहाँ पे लगा दिया, और मैं क्या बटन दबा देता हूँ, क्रिएट यूज़र का बटन दबा देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये यूज़र एग्जिस्टिंग है पहले से मौजूद है तो ये बना नहीं रहा, ठीक है, ये मेरे इस पे पहले से मौजूद है DB यूज़र और DB पासवर्ड, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करके फिर क्रिएट करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है, क्रिएट हो गया DB यूज़र और DB पासवर्ड। अच्छा जी ये काम हो गया। दूसरा अब मुझसे कह रहे हैं कि भाई आपका जो है ना IP एड्रेसेस की आप वाइट लिस्ट बता दो कि कौन कौन से IP एड्रेसेस हैं जिससे ये एक्सेस हो जाए, तो मैंने कहा कि यार ऐड माई करंट IP, ठीक है, तो ये मेरी करंट IP जो थी ना ये इसने ऐड कर दी यहाँ पे, लेकिन ये वाली IP ऐड नहीं करूँगा मैं कौन सी IP ऐड करूँगा, मेरे सर्वर की IP, गूगल क्लाउड पे जाऊँगा मैं, जो मेरी सर्विस चल रही है उसकी मुझे वो एक IP बताएगा कि यार ये वाली IP है, वो दिख रही होती है उधर सेटिंग के अंदर, वो उठा के मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँगा लाके, ठीक है। अच्छा ये वाली जो IP मैंने ऐड की हुई है इसका क्या मतलब है, ये मैंने खुद ऐड की है, ये पहले से ऐड नहीं होती, हाँ ये जो है वो इसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड,
वाइल्ड कार्ड के जितनी भी आईपी है ना सबसे एक्सेस उसको अलाउ कर दें, ठीक है। तो फिलहाल मैंने ये लगाया हुआ है, तो मैं इसको रिमूव भी कर दूं माई आईपी को, तो ये फिर भी एक्सेस करने दे देगा मुझे। अच्छा, अगर आपने ये सेटअप नहीं किया, ठीक है, मतलब इस खाली है अगर ये वाइट लिस्ट, तो आपका काम नहीं करेगा ये, ठीक है। फिनिश एंड क्लोज, ठीक है जी। मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्लस्टर जीरो आ गया है ये, अब यानी कि पहला डेटाबेस। अच्छा, इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, क्रिएट अनदर करूँगा, एक और बन जाएगा, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 50 जितने डेटाबेस मैं बनाना चाहूँ मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, ठीक है। और जितने ज़्यादा डेटाबेस बनाता जाऊँगा वो क्लस्टर बनता जाएगा, लेकिन फिलहाल हम एक ही डेटाबेस की हमें ज़रूरत है, वो हम कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। कनेक्ट का बटन मैंने दबाया, कनेक्ट का बटन दबाते ही मुझसे ये पूछ रहा है कि किधर कनेक्ट करना है आपने। मैंने कहा कि यार मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन में कनेक्ट करना है, हाँ, कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन, सही है। और कह रहा है कि यार कौन सा वाला होगा, मैंने कहा नॉट जेएस होगा और लेटेस्ट होगा, ठीक है। ये 5.5 नॉट जेएस का वर्जन नहीं, ये मोंगोडीबी का वर्जन है, ठीक है। स्टेबल एपीआई 5.5 और लेटर। कह रहा है भाई आप MongoDB को इंस्टॉल करोगे, NPMI MongoDB। और अच्छा भाई, दबे इसको सेलेक्ट करने से ना कुछ चेंज नहीं हो रहा, ये जब इसको मैं चेंज करूँगा ना पाइथन को, पाइथन कर दूंगा इसको अगर मैं, तो नीचे इंस्ट्रक्शन चेंज हो रही है, दैट्स इट। मतलब ये कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ये, ठीक है। ये जैसे मैंने पहले तो कॉन्फ़िगरेशन की थी ना, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ये मुझे जस्ट बता रहा है कि यार इस तरह होगा, ये नॉट जेएस में इस तरह होगा, ठीक है। अगर मैं कोई पुराना वर्जन सेलेक्ट कर लूँगा मे बी, तो ये देखो @4.0 इसने बता दिया यहाँ पर, ठीक है। 5.5 है तो लेटेस्ट, तो मैंने NPMI MongoDB कर दिया। हाँ, किसकी ज़रूरत नहीं, NPMI MongoDB करना होगा ना, मोंगोस भी एक लाइब्रेरी है और MongoDB भी एक लाइब्रेरी है, दोनों से कनेक्ट हो जाता है, और भी हैं इसके अलावा भी हैं। मैं MongoDB कर लेता हूँ इस क्लास में फिलहाल के लिए, मोंगोस तो मैंने कई दफ़ा पढ़ाया है, और अब ज़रा सा MongoDB की लाइब्रेरी इट्सेल्फ जो है ना स्टेबल हो गई है थोड़ी सी, तो अब लोग ना MongoDB की तरफ ज़रा ज़्यादा जा रहे हैं। MongoDB पे बनाया, अच्छा, स्कीमा है ही नहीं ना, स्कीमा है ही नहीं MongoDB के अंदर, जो भी डालोगे एक्सेप्ट कर लेगा। मोंगोस जो स्कीमा देता है ना आपको, अगर किसी ने मोंगोस यूज़ किया है तो वो जो स्कीमा देता है ना आपको, वो मोंगोस का फीचर है, वो MongoDB का फीचर नहीं है, और ना MongoDB से उसका कोई ताल्लुक है। वो वैलिडेशन वगैरह जो भी चीज़ें वो दे रहा होता है वो सब मोंगोस का है। आसानी उन लोगों को हो जाती है जो नो सीक्वल के बैकग्राउंड से नहीं है, आसानी उन लोगों के लिए उन्होंने प्रोवाइड की है जो MySQL या Oracle वगैरह का बैकग्राउंड है ना जिनका, तो उनके लिए उन्होंने बोला है कि अच्छा यार ये वैलिडेशन वगैरह ये सब आप लगा लो, तो ऐसे करके है। अदरवाइज़ स्कीमा की MongoDB में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो वैलिडेशन आप करते हैं ना, जो रिक्वेस्ट आपके पास आ रही है, अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पे समझ लो कि यार MongoDB अगर स्कीमा लेस को सपोर्ट करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना डेटाबेस बिला वजह स्कीमा लेस कर दें, समझ रहे हो बात। हमारे पास जब रिक्वेस्ट आएगी ना कि भाई एक प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, पोस्ट करनी है एक प्रोडक्ट, एक नई प्रोडक्ट कोई बंदा लेकर आता है मेरे पास, तो मैं उसको ज़ाहिर है वैलिडेशन करता हूँ उसकी कि भाई क्या लाया, नाम लाया या नहीं लाया, उस प्रोडक्ट की प्राइस लाया, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स जो हैं वो सारे चेक करता हूँ मैं, उन सारे पैरामीटर्स को वैलिडेट भी करता हूँ कि जी प्राइस के अगेंस्ट एक नंबर ही होना चाहिए, कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये मैं सारी वैलिडेशन करता हूँ। उसके बाद मैं डेटाबेस में उसको इंसर्ट करता हूँ, और जब मैं डेटाबेस में इंसर्ट करता हूँ तो एक ही फॉर्मेट में करता हूँ, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उसका एक टाइटल होगा, एक प्राइस होगी, एक डिस्क्रिप्शन होगा, तो ये हर प्रोडक्ट का यही स्कीमा होगा। मैं ये नहीं करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में किसी में डिस्क्रिप्शन लिख दिया, किसी में DESC लिख दिया सिर्फ, ये मैं नहीं करूँगा। मैं अपने डेटाबेस को जिस हद तक पॉसिबल होगा उसको एक स्कीमा की शक्ल दे के रखूँगा, ठीक है। स्कीमा बिला वजह स्कीमा लेस नहीं करूँगा मैं, अनटिल एंड अनलेस के बिल्कुल मेरे पास अब मतलब बिल्कुल ही मजबूर हो जाऊँ मैं कि नहीं यार अब स्कीमा हो ही नहीं सकता इसका, तो फिर मैं जाऊँगा स्कीमा लेस पर, अदरवाइज़ मैं स्कीमा लेस पे नहीं जाऊँगा, ठीक है। कौन से फोल्डर में हूँ मैं, 04 और CD, उसके बाद 2 NPMI MongoDB, ठीक है जी। अच्छा, इसको सूडो नहीं मिला, तो ये
ठीक है जी, ये मोंगो डी बी इंस्टॉल हो गया। मोंगो डी बी जैसे ही इंस्टॉल होकर कंप्लीट होगा, मेरे पास पैकेज डॉट जेसन के अंदर ये मेंशन हो जाएगा कि जी इस प्रोजेक्ट के अंदर मोंगो डी बी इस्तेमाल हो चुका है, मोंगो डी बी की लाइब्रेरी इंक्लूड हो चुकी है। इसको मैंने बंद कर दिया, वापस यहाँ पर आता हूँ मैं। अब ये कह रहा है कि जी आपका जो डेटाबेस का जो कनेक्शन बनेगा ना वो इस URL से बनेगा, ठीक है। ये URL है जिसके ज़रिए डेटाबेस का कनेक्शन आपका बनेगा। तो इस URL को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ला के ना मैं इसको ज़रा अभी फ़िलहाल ऐसे ही कॉमेंट में रख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉमेंट में रख लिया। अच्छा, ये यूज़र नेम और पासवर्ड कौन सा वाला है, ये जो हमने अभी अभी क्रिएट किया है डेटाबेस का यूज़र है, ठीक है। ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड जो है मैंने यहाँ पे लगा देना है, डी बी यूज़र और डी बी पासवर्ड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इस स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए मैं अपने डेटाबेस से क्या करूँगा, कनेक्शन बनाऊँगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये वाला जो दोनों आइटम है ना, ये मैंने यहाँ पर सीधा सीधा नहीं रखना है, इसको मैंने कहाँ रखना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में रखना है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे बनाते हैं, सब लोगों को पता होगा, डॉट ई की एक फ़ाइल बना लेते हैं और इस फाइल को गेट इग्नोर में भी डालना ज़रूरी है मेरे पास, डॉट ई। हाँ, क्या करते हैं, हाँ हाँ, जी क्लाउड में भी बता दूंगा किधर डलेगा। अच्छा, बताने की क्या बात है, अलग से छोटा सा गूगल करोगे पता चल जाएगा। सेटिंग ENV वेरिएबल्स गूगल ऐप इंजन, जितने भी क्लाउड एनवायरनमेंट है ना, जहाँ जहाँ आप सेट कर अपना एक्सप्रेस की ऐप को जहाँ जहाँ डिप्लॉय कर रहे हो, सब जगह एनवायरनमेंट बनाने का ऑप्शन है। ये सर्वर की बेसिक चीज़ है, जैसे पोर्ट हर जगह मिलता है ना एनवायरनमेंट में पोर्ट के नाम का, तो इसी तरह एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने का ऑप्शन जो है वो हर में मौजूद होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट वेरिएबल गूगल ऐप इंजन, देखो आर्टिकल आ गया, इसके अंदर आप देख लो कैसे होता है कि भाई फला फला सेटिंग में जाओ, फला फला ऐसे करो, राइट लोकल डॉट डॉट ENV, नहीं ये तो उधार है ना, आगे क्लाउड पे कैसे सेट करना है, ये आ गया, ठीक है। ये अंदर से कहीं सेटिंग से इसने ये चीज़ निकाली है कि ये वेरिएबल का नाम है और ये उसकी वैल्यू है उसके अगेंस्ट, बस सेव कर दिया, हो गया, दैट्स इट। अच्छा, और क्या कह रहा है ये, क्लाउड बिल्ड डॉट YAML में भी इसको रख सकते हैं, तीन चार इसके तरीके बता रहा है। कह रहा है स्क्रिप्ट भी, आप स्क्रिप्ट का एक टैग लगा दो पैकेज डॉट जेसन के अंदर और स्क्रिप्ट के अंदर इसको आप करवा दो, तो इस तरह भी कर सकते हो आप, ठीक है। कह रहा है अपने कोड के अंदर भी आप इस तरह लिख सकते हो एक्सपोर्ट करके, लेकिन कोड में तो नहीं लिखना ना हमें, तो वहाँ सेटिंग में जाके जो सबसे पहला तरीका इसने बताया ना, ये वाला, हरिको में भी इसी तरह होता है, साइक्लिक में भी इसी तरह होता है ना, वर्सल में भी होता होगा, मैंने यूज़ नहीं किया वर्सल फिलहाल के लिए। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने का ऑप्शन जो है वो सब जगह जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो देते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन है, वो आप छोटा सा गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, क्या हम कर रहे थे यार, ये हमने, हाँ, डॉट ENV बना रहा था मैं इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी मोंगो डी बी सही है, यूज़र नेम इक्वल्स, और मेरा क्या था, अच्छा इसमें स्ट्रिंग नहीं लगाना होता, डी बी यूज़र, और इसी तरह क्या था, डी बी पासवर्ड। अच्छा, इसको कैपिटल में लिखते हैं, पूरा का पूरा कैपिटल में लिखते हैं, ये कन्वेंशन है, आप इसको स्मॉल भी कर दो तो ये चलेगा, लेकिन कैपिटल में रखना है इसको, कन्वेंशन है। अच्छा, अब मुझे और काम क्या करना पड़ेगा, मुझे काम ये करना पड़ेगा कि डॉट ENV करके एक लाइब्रेरी है, वो भी मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बगैर ये वरना काम नहीं करेगा। npm i एक ही बात है। हाँ, एक मिनट में ज़रा कन्फिग कंप्लीट कर लूँ, फिर तुम्हारा, तुम बताना फिर तुम्हारा क्या सवाल है उसके बाद, ठीक है। डॉट ENV फ्रॉम, सही है, और इसको डॉट ENV डॉट कन्फिग, सही है। अच्छा, अब ये डॉट ENV देखो करता क्या है, डॉट ENV ये करता है कि यहाँ पे मेरे पास जो भी डॉट ENV के अंदर चीज़ें पड़ी हुई है ना, इसको उठा के इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करता है, ठीक है। और वो कब करता है, जब मैं ये वाली बात कॉल करता हूँ,
और ये डॉट ई एन वी क्या किया मैंने, इसको मैंने इंस्टॉल किया है अलग से, ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, नॉट जे एस का पार्ट नहीं है, ये एक्सप्रेस का पार्ट नहीं है, इसको मैंने एन पी एम आई और डॉट ई एन वी करके किया है। अच्छा, अगर आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है तो आप क्या लिखेंगे, डॉट ई एन वी यहाँ लिखेंगे तो ये पहले नंबर पर आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने का तरीका लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करने का। ठीक है, ये इस तरह मैंने इंस्टॉल किया है इसको, और ये नीचे इसको इस्तेमाल करने का ना सारा तरीका लिखा हुआ है कि भाई इस तरह से फाइल क्रिएट करोगे आप, ऐसे करके रिक्वायर, ये पुराना तरीका है, हमने ज़रा इम्पोर्ट वाला किया है नया वाला। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें इस तरह बताई हुई हैं, तो यहाँ से आप देख के इसको जो है ना बड़े ईजिली कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं हम। ठीक है, डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फिग कर दिया, अब तुम बताओ क्या सवाल है तुम्हारा। हाँ दोस्त ने ये कहा कि यार इसको ना अगर मैं इस फाइल से हटा दूँ, मैं इसको कहीं और कर दूँ। ठीक है, तो कहीं और कर देते हैं, इसको मैंने कट किया यहाँ से। आमतौर पे वैसे इसके लिए अलग फाइल ही बनाते हैं, इसको कॉन्फिग की फाइल बनाते हैं, कॉन्फिग का फोल्डर बना के, और उसके अंदर मैंने कर दिया इंडेक्स डॉट एम जे एस, और मैंने यहाँ पे आके इसको लिख दिया, एक ही बात है। अच्छा, लेकिन जब मैं वंस उसको यहाँ लिख दूंगा ना, तो इस इंडेक्स की फाइल को मुझे क्या करना पड़ेगा, रन करवाना पड़ेगा। ठीक है, रन करवाने के लिए अगेन वही कि मैं इसको इम्पोर्ट करूँ यहाँ पे आके, है ना, इम्पोर्ट करूँ मैं कॉन्फिग स्लैश इंडेक्स डॉट एम जे एस, तो इस तरह इम्पोर्ट करूँगा तो ये चल जाती है। तो यहाँ पर ये मैं एक लाइन ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ, या ये दो लाइन लिख दूँ, बात वहीं आ जाती है। हाँ, लेकिन सम टाइम ये होता है कॉन्फ़िग में आपकी कुछ और भी चीज़ें होती हैं, शुरू में होती हैं इनिशियलाइज, तो फिर वहाँ पे अगर आप अलग फाइल बनाएं तो ज़रा बेनिफिशियल होता है, लेकिन हमारे इस स्पेसिफिक केस में जो है ना, अलग फाइल बनाना कोई इतना ज़्यादा बेनिफिशियल फ़िलहाल के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसको ज़रा एक दफ़ा रन भी करके देख लेते हैं कि अभी तक कोई एरर तो नहीं आ गया इसके अंदर, क्योंकि हम ज़रा ब्लाइंडली कोडिंग हमने लास्ट टाइम भी की थी ना काफ़ी, तो लास्ट में एरर आए थे। फिर क्या था जी, एन पी एम रन डेव। ठीक है जी, चल गया, ये बिल्कुल सही चल गया, इसका मतलब है कोई गड़बड़ हमने नहीं की है। अच्छा जी, अब अगला काम हमने क्या करना है, MongoDB को हमने इंस्टॉल तो कर लिया, अब MongoDB डॉट कनेक्ट करके मैंने MongoDB का डेटाबेस कनेक्ट करना है। ठीक है, क्लिक कर देते हैं जी MongoDB डॉट कॉम के, मुझे कहाँ पे ले गया ये, डॉक्स और ड्राइवर्स और नॉट जेएस और करंट, इस वाले पे मुझे ले गया ये, इस डॉक्यूमेंटेशन के इस पार्ट में। यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड है, ठीक है, क्विक स्टार्ट, लर्न हाउ टू एस्टैब्लिश कनेक्शन टू MongoDB एटलस बीइंग बिगिन वर्किंग विद डेटा इन स्टेप बाय स्टेप क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, क्विक स्टार्ट क्या होता है, किसी भी लाइब्रेरी, किसी भी फ्रेमवर्क, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप शुरू में इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप क्विक स्टार्ट वाले को जो गाइड को फॉलो करते हैं, जो क्या करता है, आपका हेलो वर्ल्ड बनवा देता है जल्दी से। ठीक है, अच्छा, अब ये क्विक स्टार्ट में कह रहा है सबसे पहले तो भाई आप करो डाउनलोड, MongoDB का डेटाबेस डाउनलोड करो, लेकिन हम डाउनलोड नहीं करेंगे। हम क्यों डाउनलोड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो लोकल वाला करना नहीं है। ठीक है, तो नहीं, कंपास अलग चीज़ है, एक MongoDB शेल डाउनलोड होता है, सॉरी शेल कह रहा हूँ, वो अब यार उसको पता नहीं क्या बोलेंगे, MongoDB का डेटाबेस होता है वायरल, उसको डाउनलोड करने के बाद उसको मुझे एक उसका होता है MongoDB.exe होता है, उसको मुझे रन करना होता है, तो वो रन करते ही क्या होता है, लोकली मेरा डेटाबेस अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ फिर, इस URL की जगह मैं लोकल होस्ट लिखता मैं, लेकिन अभी मैं लोकल होस्ट नहीं लिखूंगा, अभी मैं ये URL लिखूंगा। ठीक है, तो मुझे ये नहीं, कंपास तो UI है ना, वो तो हम यूज़ करेंगे, अभी वो करेंगे, वो कंपास तो अलग चीज़ है। ठीक है, तो क्विक स्टार्ट पे हम जाते हैं वापस। ठीक है, तो ये हम लोकल वाला नहीं सीख रहे, लोकल वाला सीखते तो हम पहले डाउनलोड करते हैं इसको। ठीक है जी, डाउनलोड एंड इंस्टॉल मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखें ये बता रहा है कि यार, अच्छा ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल जो है ना, वो नॉट जे एस का पैकेज की बात कर रहे हैं, वो डेटा बेस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, वेल तो ये तो हम पार्ट कर चुके हैं ना, एन पी एम इंस्टॉल MongoDB यहाँ तक तो हम कर चुके हैं। अच्छा, क्रिएट MongoDB डिप्लॉयमेंट, अब ये कह रहा है भाई MongoDB एटलस पे जाओ, वहाँ पे जाके आप जो डेटाबेस बनाने वाला, ये भी हम कर चुके हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, क्रिएट अ कनेक्शन, कह रहा है कि आप कनेक्ट का बटन दबाओ, वहाँ से आपको एक URL मिलेगा, और वो URL आपको इस तरह करके मिलेगा, ऐसे ही मिला है हमें URL ये वाला। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब और आ गया कनेक्ट टू MongoDB।
ठीक है, कह रहा है जी आप ऐसे मोंगो डीबी को ना रिक्वायर कर लोगे, सबसे पहले तो आप आगे इधर ऐसे रिक्वायर कर लोगे मोंगो डीबी, ठीक है, लेकिन हम मोंगो डीबी को रिक्वायर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे इम्पोर्ट करेंगे उसको। सही है, मोंगो डीबी क्लाइंट हो गया। अच्छा, और उसके बाद मैंने क्या कहा, मुझे मेरे पास एक यूआरआई होगा। अच्छा, इस यूआरआई में मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग मौजूद हो चुका है मेरे पास। अच्छा, मेरे पास जो यूआरआई है उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करना है, मैंने कहा कॉन्स्ट मोंगो डीबी यूआरआई, ठीक है, और ये मैंने बना दिया। अब जो मेरा ये डीबी यूज़र और डीबी पासवर्ड है ना, इसको मैं रिप्लेस करूँगा किस चीज़ से, प्रोसेस डॉट डी एन वी वाले से करूँगा, क्योंकि मैंने उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, वो तो कैपिटल्स में ना, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, कॉपी करके ले आता हूँ वहाँ से, कहीं क्योंकि मिस्टेक ना हो जाए ना, ठीक है। मोंगो डीबी यूज़र नेम, और फिर यही वाला पूरा कॉपी करके मैंने क्या करना है, मोंगो डीबी पासवर्ड में डालना है। ठीक है, तो मेरे पास अब ये मोंगो डीबी यूआरआई करके ना, ये यूआरआई मेरे पास तैयार हो गई है, जिस यूआरआई में से मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड को क्या कर दिया है, एनवायरनमेंट वेरिएबल वाले पे रख दिया जाएगा, ताकि मुझे यहाँ पे ना लिखना पड़े। यहाँ पे लिखने से मसला क्या होगा कि वो गिटहब में पुश हो जाएगा और वो एक्सपोज हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, एक काम और भी हमने करना होता है, जैसे डॉट ई एन वी है ना, इसको तो मैंने गिट इग्नोर में रखा है, तो डॉट ई एन वी की ना एक फ़ाइल में कॉपी और बना देता हूँ, और इसका मैं नाम ज़रा चेंज कर देता हूँ। आमतौर पर इसका आप नाम रख देते हैं टेम्पलेट रख देते हैं, इस तरह की कोई चीज़ रख देते हैं, और इसमें से वैल्यूज़ हटा देते हैं आप, जस्ट इसमें आप ये रख देते हैं कि अच्छा यार ये चाहिए, ताकि कल को इसको कोई डाउनलोड करे ना तो उसको समझ आ जाए कि अच्छा ये इन्वायरमेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड है, इसके बगैर ये चलेगा नहीं, ठीक है। सम टाइम आप क्या करते हैं कि पूरा का पूरा वो कनेक्शन स्ट्रिंग ही आप यहाँ रखवा देते हैं, ये भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, पूरा का पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग सीधा बना के आप यहाँ रखवा दें उसको बस। अच्छा, ब्लैक हो जाती है, क्या है एक्सटेंशन है, हो गई डॉट ई एन वी का एक्सटेंशन है, सही है यार, डॉट ई एन वी का एक्सटेंशन दोस्त ने बताया है कि वो क्या करता है, सपोर्ट डॉट ई एन वी फाइल सिंटैक्स ऑफिशियल वॉल्ट, अच्छा अब मैं क्या करूँगा, डॉट ई एन वी में जाऊँगा तो वो, हाँ यार गुड, ज़बरदस्त, ये तो ब्लैक कर दिया इसने, अब मगर ये दिखेगा कैसे, ये तो दिखेगा ही नहीं अब। ये नहीं हुआ ब्लैक, अच्छा मैं दूसरी फाइल में जाके आऊंगा तब हो जाएगा। अब ये कैसे इनेबल होगा, छोड़ो यार इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही, मुझे तो पता है ना मैंने सही लगाया है, तो अभी इसको फ़िलहाल ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो कॉपी हो जाता है, कॉपी हो जाता है ना, बस सही है, कॉपी हो जाता है तो फिर ठीक है। हाँ नहीं यार, अच्छा बताया इसने कि अगर बंदा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हो तो वो ज़रा, कोई प्रोजेक्ट मैंने डाउनलोड किया और उसमें मैं कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर रहा हूँ तो वो ब्लैक कर देता है उसको, अच्छा आइटम है यार। अच्छा, तो मोंगो डीबी यूआरआई मैंने ये तैयार कर लिया, अब मोंगो डीबी यूआरआई तैयार करने के बाद इसने मुझे बोला कि आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, ये क्या हो गया मेरे पास, मोंगो डीबी क्लाइंट कनेक्ट हो गया इस यूआरआई के साथ, सही है। अब मोंगो डीबी क्लाइंट कनेक्ट होने के बाद मैंने पहला काम क्या करना है, सबसे उसके अंदर एक अदद डॉक्यूमेंट डालना है मैंने उसके अंदर, ऑब्वियसली। अच्छा,
मेरे पास ना, अब देखो ये क्या कर रहा है, ये तो हो गया एक डेटाबेस से कनेक्शन हो गया, अब डेटाबेस के अंदर जो है ना कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करना है और कौन से कलेक्शन से कनेक्ट करना है, अब वो वाली बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बोला भाई ये डेटाबेस आप बनाओ, और डेटाबेस का कोई नाम रख देते हैं हम यहाँ पे। मैंने कह दिया कि यार मेरा ना क्या है, ई कॉम है, ई कॉमर्स, क्योंकि प्रोडक्ट की बात कर रहे थे हम, तो ई कॉम मैंने इसका नाम रख दिया। मेरा ये चार कैरेक्टर का नाम है मेरे डेटाबेस का। उसके बाद कलेक्शन जो है, मैंने बोला कि यार कौन से कलेक्शन की बात कर रहे हैं हम, कलेक्शन हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स, ये मेरी कलेक्शन है। अच्छा, सीक्वल डेटाबेस में क्या होता है, ये टेबल आपको बनानी पड़ती है, पूरे फील्ड्स डिफाइन करने पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपने नाम लिख दिया, वो खुद ही तैयार कर देता है उस नाम से। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम। अच्छा, ये तो इसने क्वेरी करना बता दिया डायरेक्ट, मुझे तो इसमें डेटा वो करना है ना, इंसर्ट करना है, सही है। क्विक स्टार्ट में बहरहाल ये क्वेरी करना बता रहा है। अब क्वेरी में किसको करूँ, मेरा तो डेटाबेस ही खाली है ना। तो अब हम आ जाते हैं आगे इसके, हाँ, यूजेज एग्जांपल में चलो आ जाते हैं। अच्छा, यूजेज एग्जांपल में फाइंड ऑपरेशंस हैं कि डेटाबेस से कोई चीज़ फाइंड करके कैसे लाएं, इंसर्ट ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट वाले ऑपरेशन में जाऊंगा, इंसर्ट वन डॉक्यूमेंट, इंसर्ट मल्टीपल डॉक्यूमेंट। मेरा ख्याल है मेरा जो इंसर्ट वन डॉक्यूमेंट वाला काम मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि एक वक्त में मेरे पास एक ही प्रोडक्ट आती है। तो इसने बोला भाई कलेक्शन, कलेक्शन हो गया ये, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट तैयार किया, और डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद उसको इंसर्ट कर दिया। आसान है, आ जाओ मैं भी यही करता हूँ। प्रोडक्ट पोस्ट वाला कहाँ है मेरा, ये मेरी प्रोडक्ट पोस्ट होती है ना, ऐसे पोस्ट होती है, तो ये मैं जो पुश करता हूँ ना, इसकी जगह अब मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मैं इस तरह करके, मेरे पास डॉक्यूमेंट आ रहा है ना, तो मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट को इस तरह करके यहाँ पर बनाऊँगा, ये बन गया ना मेरा डॉक्यूमेंट, पूरा तैयार हो गया। और डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद मैं क्या करूँगा, कलेक्शन डॉट, कलेक्शन का नाम मैंने क्या रखा था, कलेक्शन ही रखा था ना, नहीं, कलेक्शन का जो वेरिएबल था उसका नाम, अच्छा यहाँ पे सही है, प्रोडक्ट कलेक्शन, ठीक है, मैं ऐसे ज़रा उसका नंबर नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट कलेक्शन, ताकि वो प्रोडक्ट किसी दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, कलेक्शन प्रोडक्ट ही हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट कलेक्शन के ऊपर मैं डॉट लगा के फिर बोलूँगा कि यार इंसर्ट कर दो आप, ठीक है। अवेट इसमें लगा हुआ है, अवेट का मतलब क्या होता है कि मेरा जो ये फंक्शन है ये एसिंक होना चाहिए, जब भी इसके अंदर अवेट काम करता है ना, एसिंक का वेट सब लोगों को पता है। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, अच्छा टाइम हमारा यार ऊपर हो गया ना, जब भी तो लोग पीछे जमा हो गए हैं। एसिंक का वेट मैं बता दूंगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बल अभी इसको ऐसे समझ लो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी फंक्शन बनाता हूँ ना मैं, देखो ये फंक्शन है एक्चुअली, इस फंक्शन से पहले मैंने एसिंक लिख दिया है, ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं अवेट का कीवर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, अवेट करता क्या है, अवेट ये करता है कि ये लाइन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी ना, ये एक इंटरनेट पर रिक्वेस्ट मारेगा ना, ये लाइन जब मैं लिखूंगा तो एक इंटरनेट पर रिक्वेस्ट जाएगी, जब तक इंटरनेट से वो रिक्वेस्ट वापस नहीं आ जाती, ये इस लाइन में खड़ा रहेगा, वेट करेगा उसके वापस आने का, आसान लफ्ज़ों में कि उसका वेट करेगा वापस आने का। नहीं चलेगी अगली लाइन, क्यों नहीं चलेगी, आगे मूव कर जाएगा वो, अगर अवेट नहीं लिखूंगा मैं तो वो आगे बढ़ जाएगा। जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट तो बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस है ना, वो वेट थोड़ी करेगा कि क्या हो रहा है। मैं बता दूंगा डिटेल में, बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, डिटेल में बता दूंगा। प्रोमिसेस, एक्चुअली प्रोमिसेस समझना पड़ेगा इसके लिए, प्रॉमिस समझ आ गया तो अवेट प्रॉमिस ही होता है असल में बैकग्राउंड में, वेल समझा दूंगा मैं, वो वाली बात है कि ES6 आता है या नहीं आता है। अच्छा, मैं लिखता था ना हर क्लास में कि ES6 फंक्शंस, तो वो इसलिए लिखता था कि आपको ES6 आ जाए, तो ये आता है तुम्हें, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें रियलाइजेशन करानी पड़ेगी, ES6 लिखना पड़ेगा साथ में ना, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं चलाऊंगा ना इसमें, रिजल्ट में क्या हो जाएगा, अब ये पुश की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने रोक दिया, ठीक है। तो ये वाली लाइन जब तक चल के पूरी ख़त्म नहीं हो जाती, आगे नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब है ये रिस्पॉन्स कब जाएगा, जब वो डेटाबेस में प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएगा, जब ही रिस्पॉन्स जाएगा, ठीक हो गया। आ जाते हैं अब ज़रा जी, स्कीमा है ही नहीं ना मोंगोडीबी में, हाँ दूसरी वाली में पाँच भेज दो, एक भेज दो, बाकी सब हटा दो यहाँ से, एक भेज दो,
कोई ऐसी दूसरी बात ही लिख दो, कोई ऐसे ये की लिख दी और उसके आगे ये वैल्यू लिख दी, ये भी ले लेगा। हाँ देखो मैं आईडी, मैं अगर आईडी से गेट करूँगा ना कि आईडी इक्वल इक्वल दिस हो तो लेकर आओ, तो ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं आएगा उसके अंदर, इसमें आईडी है ही नहीं। सारा गेट करेंगे तो सब आ जाएगा। हाँ जब सारा गेट करूँगा ना मैं जब, तो सब आएगा नो मैटर वर्ल्ड के उसमें क्या है क्या नहीं है। अब जब आप उसको फ्रंट एंड पे मैप चलाओगे तो फिर आप उसको या तो हैंडल करोगे, ठीक है, लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि मैं कोई कंडीशन ना लगाऊँ, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। सही है, मैं कंडीशन कोई ना कोई उस पर लगाता हूँ, कुछ नहीं कुछ नहीं तो मैं लिमिट ज़रूर लगाता हूँ कि यार टॉप के 100 डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। हाँ मैं ये भी कंडीशन लगा सकता हूँ कि भाई उसमें नेम होना चाहिए, मतलब नेम कुछ भी हो लेकिन होना चाहिए, मैं ये भी कंडीशन इसमें लगा सकता हूँ क्वेरी करते हुए। तो वो फिर ऐसा होगा कि अगर मैं वही बात कर रहा हूँ ना अगेन कि मेरे डेटाबेस को मैं जिस हद तक हो सकेगा मैं स्कीमा के हिसाब से बनाऊँगा उसको, मैं स्कीमा लेस मजबूरी के तहत है क्योंकि वो जदीद दौर का एक तकाजा है। हमारे केस में हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर जो अभी हम बना रहे हैं, हमारी इस ऐप के अंदर स्कीमा लेस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, समझ रहे हो। तो हम जब भी करेंगे वो ऐसा ही डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा, हम जितने डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे सब में नेम मौजूद होगा, क्योंकि इस डेटाबेस में हम ही डेटा क्रिएट करते हैं सर्वर के ऊपर बैठ के, है ना। तो कभी भी ये वैलिडेशन में जब तक नेम नहीं होगा ये रिक्वेस्ट आगे बढ़ेगी नहीं। सर्वर तो सिक्योर है ना यार मेरा भाई, मेरे सर्वर पे मेरी मेरे मर्ज़ी के मुताबिक होगी ना जो भी चीज़ होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई और आके सर्वर का कोड मॉडिफाई करके उसको ज़बरदस्ती चला दे, ये कभी भी नहीं होगा। सही है, तो सर्वर के ऊपर डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो भी मेरे पास सिक्योर है, वो किसी और को दिखेगा नहीं। डेटाबेस का जो लिंक है वो भी किसी और को नहीं दिखेगा, मैं सब एनवायरनमेंट वेरिएबल में डाल दूँगा। तो डेटाबेस जो ऑपरेशन जितने भी हो रहे हैं डेटाबेस में वो मेरे सर्वर से हो रहे हैं, तो सर्वर पे मैं वैलिडेशन प्रॉपर लगा के प्रॉपर सिक्योरिटी लगा के फिर मैं सब चीज़ें पक्की करके फिर मैं डेटाबेस में राइट करता हूँ, उसके बगैर नहीं करता। यहाँ फायरबेस वाला सीन नहीं हो रहा है, यहाँ पे फायरबेस वाले सीन में क्या होता है कि फ्रंट एंड से कोई भी कुछ भी डाल दे, कोड मॉडिफाई करके कुछ और डाल देगा आपके वो, तो आपको क्या करना पड़ता है सिक्योरिटी रूल वगैरह से उसको मैनेज करना पड़ता है, बड़ा उसके अंदर दूसरे तरह से होते हैं ज़रा मामला, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा कि जी अच्छा फायरबेस में अगर आप फायरबेस, वैसे दिल जला हुआ इसलिए निकल जाता है मुँह से, नाम लेना नहीं चाहिए फायरबेस का बिला वजह मतलब। तो अब उसमें अगर एक यूज़र है उसको मैंने कुछ डेटा का एक्सेस देना है, दूसरे यूज़र का कुछ और डेटा का एक्सेस देना है, दोनों का अलग अलग एक्सेस मैंने मेंटेन करना है, तो वो मैं क्या करता हूँ सिक्योरिटी रूल से करता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी रूल है ही नहीं, वो इसलिए नहीं है सिक्योरिटी रूल कि मैं सर्वर पे अपने एक्सेस मैनेजमेंट करता हूँ पूरी। अभी हम इंशाल्लाह JWT इस क्लास में तो नहीं कवर करेंगे क्योंकि इस क्लास का टॉपिक नहीं है, ज़रा फिर बात लंबी हो जाएगी वो। लेकिन JWT मैंने दूसरे वेब डेवलपमेंट की क्लास में पढ़ाया हुआ, तो वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि जी सर्वर को जो एक्चुअली मजीद सिक्योर जब हम करते हैं कि बंदा भाई ऑथेंटिकेटेड हो और फिर आगे बढ़े वो, तो वो JWT के ज़रिए मैं पूरी वो लगाता हूँ कि जी बंदे का रोल क्या है, ये एडमिन है या यूज़र है या क्या चक्कर है। फिर उसी हिसाब से क्या होता है जब API हिट होती है ना ये वाली कि जी पोस्ट और प्रोडक्ट, तो मैं पहले यहाँ पे चेक करता हूँ कि उसका रोल क्या है, क्या उस रोल के अंदर ये चीज़ अलाउ है कि वो एक नई प्रोडक्ट क्रिएट कर सके, अदरवाइज़ मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ शुरू में ही ना ऐसे इफ़ लगा के कि इफ़ रोल इक्वल्स टू एडमिन तो आगे जाओ अदरवाइज़ उसको रिटर्न करा दो। मिडलवेयर फंक्शन हम उसका अलग भी बना सकते हैं, अलग बना के मैं उसको यहाँ पे इस जगह पे पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ इसको ज़रा जल्दी से चला के और हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ज़रा हम टाइम से आगे निकल गए अपने यार, आधा घंटा आगे निकल गए, ठीक है जी। पोस्टमैन पे मेरे पास कलेक्शन पहले से बनी हुई है तो मुझे फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वो जस्ट रिक्वेस्ट बनी हुई कि मैं हिट करूँगा और वो हिट हो जाएगी। मैं गया अपने कलेक्शंस में और कलेक्शन में जाने के बाद मैंने कहा, क्या नाम रखा था उसका मैंने, SMIT चैट ऐप API, ये वाला प्रोडक्ट रेस्ट API था ना, ये वाला था पोस्ट अ प्रोडक्ट। पोस्ट अ प्रोडक्ट में जाके मैंने कहा नेम ABC और ये 200 प्राइस और सेंड, ठीक है, क्रिएटेड प्रोडक्ट सक्सेसफुली। अब मैं इसको देखूंगा कैसे जाके, नहीं गेट फिलहाल नहीं, फिलहाल अभी बस यहीं तक रखते हैं। ब्राउज कलेक्शन का बटन दबाऊंगा तो जो जो डेटा मेरे कलेक्शन में मौजूद होगा वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये डेटा मुझे यहाँ पे दिख गया, तो प्रोडक्ट को हमने डेटाबेस में डालना सीख लिया है। बाकी के जो 3 ऑपरेशन है वो आप क्या करेंगे, घर से करके लाएंगे।
सही है, शहजाद ने कोड लिखा हुआ है, इतना तो कर ही लेना जितना करवाया है, और कुछ मसला नहीं है यार, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बड़ा आसान है। यहाँ पे आप जाओगे ना, देखो ये इंसर्ट है ना, फाइंड का भी यहाँ पे मौजूद है, फाइंड अ डॉक्यूमेंट। कैसे फाइंड होता है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे ये पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कोड पूरा एग्जांपल बना के दिया हुआ है, इसको देखोगे थोड़ी सी पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा। सही है, मैंने पोस्ट करना बता दिया है, आपने क्या करना है, गेट वन और गेट ऑल प्रोडक्ट, ये दोनों अपडेट और डिलीट, ये चार काम आपने करना है। सही है, हो जाएगा ना सब लोगों से, और फ्रंट एंड से तो आप लोगों ने इंटीग्रेट कर ही लिया है, सब लोगों ने कर लिया है ना फ्रंट एंड से, तो फ्रंट एंड से क्या करूं, अब मैं जब प्रोडक्ट डालूं तो सीधा डेटाबेस में जाए उड़ता हुआ, और जब गेट करूं तो वो डेटाबेस से उठ कर आए, बीच में वेरिएबल हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमने, मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा, वैसे तीन ऑपरेशन और है मैं करवाऊंगा, लेकिन आपने करके आना है। ठीक है, अच्छा करके आने से बेनिफिट क्या होगा, जब आप इस क्लास में बैठेंगे, मैं जब चीज़ें बताऊंगा ना, तो आप की साइड से फिर वो सवाल आ रहे होंगे उसके नेक्स्ट लेवल वाले, जितना यानी आपने कर लिया होगा उसके आगे की चीज़ पढ़ाऊंगा ना फिर मैं, जाहिर है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप नहीं करके आएंगे तो वही इसमें से देख देख के कोड कॉपी कर करके चला चला के दिखाऊंगा। अभी मैंने क्या किया इसकी क्लास में, यहाँ से देखा, कोड कॉपी किया, चला के दिखा दिया, चल गया। ये तो बच्चों वाली बात हो गई ना यार, है ना। तो आज की क्लास में रियली मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ कोड ऐसे यूँ कॉपी किया, चला के दिखा दिया, चल गया, दैट्स इट। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना, तो इससे आगे की बात हमने करनी है। तो ये तीनों करके आ जाना आप, ठीक है। एसिंक का वेट भी कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लें उसको डिटेल में। चलो जी, अल्लाह हाफिज़।